हाँ क्या भाई क्या है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस गंजी स्वागत और आप देखने से मैं थोड़ा शायद टायर्ड सा लग रहा हूँ क्योंकि मैं कल ही वापस आया हूँ आफ्टर सिक्स वीक्स ऑफ वेल डिजर्व हॉलीडेज जो लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है मैं कहाँ कहाँ गया था हैड अ ग्रेट टाइम विद माई सेल्फ एंड विद फैमिली दस दिन मैंने अकेले सफ़र किया और बहुत लोगों ने पूछा यार आप अकेले कैसे कर लेते हो भाई अपने आप से दोस्ती बहुत ज़रूरी है हम लोग अपने आप से दोस्ती करती नहीं और फिर हम दूसरों से दोस्ती करने या रिलेशनशिप्स में घुस जाते हैं अपना ही नहीं पता होता तो इट्स ऑल्सो तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड थेरेप्योटिक टू तो बी बाई योर और मैं तो हमेशा भाई इस चीज़ का कायल हूँ और मैं अपना स्पेस मुझे बहुत अजीज़ है सो या अ ग्रेट टाइम बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली बहुत सारी जगहों पे गया कई कई बार तो ऐसे हुआ शहर से बाहर एवं निकल गया तो सिक्योरिटी जहाँ होती है ना तो वहाँ पे बंदा थोड़ा सा लेट लूज़ करता है वॉर्सो के एक गाँव में पहुंच गया था वहाँ पे कब्रस्तान के बीच में से एक रास्ता था मतलब क्रेजी क्रेजी हरकतें की कहीं वेस्फान नंदलस या और uh, काफ़ी टायरिंग रहा इवेंचुअली गर्मी बहुत थी uh, पूरे यूरोप में और फ़्लाइट्स का बेड़ा गरक था आई हैड टू लाइक गो टू जर्मनी टू गेट अ फ्लाइट बैक टू कराची क्योंकि यूके से कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज क्रेजी क्रेजी ट्रैफिक और महंगा तरीन जिंदगी का पी टेस्ट करवाया क्योंकि अपेरेंटली वो कह रहे जी आपने आपकी वैक्सीन को इतने दिन हो गए हैं पता नहीं नए नए रूल्स निकालते हैं वो ख़र्चा अपना वो आपको पता है वो ये एयरलाइन वाले और ये सब मिले हुए ही होते हैं दुनिया भर में ही करप्शन है भाई ख़ाली पाकिस्तान में नहीं है ज़बरदस्ती का इतना महंगा पी करा के फिर मैं पहुँचा और आ, कल सुबह सा बजे बजे पहुँचाऊँ दो बजे ऑफिस में था मैं और आ, आज संडे है आठ मुहर्रम है सो so, मैंने रिक्वेस्ट की मो भाई से कि अगर आप आ जा सकते बिकॉज वी हैव लॉट टू कैच अप ऑन मैं जितनी शूट कर सकता था मैं करके गया था कोशिश होती थी कि जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा करूँ वहाँ कहीं आउटडोर बैठ के किसी सीनिक जगह में आज की एपिसोड बनाऊँ बट मोस्टली मसला वेदर था या तो बहुत गर्मी थी या फिर बहुत विंडी था दोनों सिचुएशन में शूटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था तो वो नहीं हो पाया विच इज़ वाई सच अ गैप सो पॉलिजीज़ फॉर देट बट आई ट्राई टू मेक एज मैनी एज पॉसिबल फ्राम ना ऑन चले जी पहले सवाल की तरफ चलते हैं और इसकी द सबजेक्ट इज माई सेक्शुअल लाइफ एंड प्रॉपर्टी कंसर्न बिटवीन ससराल एंड मै का हाई जुनेद माई नेम इज़ ए बी सी एंड लिव इन सिटी इन पाकिस्तान आई एम थर्टी सिक्स एंड आई हाउस वाइफ विद वन किड हुज अंडर टेन आई वॉज इन माई सेकेंड सेमेस्टर ऑफ बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वन आई लेफ्ट माई डिग्री बिकॉज अबा ने मेरे मामों के बेटे के लिए हाँ की हुई थी सिंस माई चाइल्ड हुड यार हाउ डू यू लुक एट अ चाइल्ड एंड बी लाइक ये मेरी बहू बनेगी हाओ बट वी बल डू दैट इन फैक्ट मैंने एक बार मैं आई वॉज डूंग अ स्टैंड अप और एक अंकल आए हुए थे हैदराबाद से ही वॉज़ लाइक अब फिफ्टी तो मैं उनसे पूछा था कि लाइक like, आपकी शादी को कितने साल हुए तो उन्होंने बताया कितने साल हुए मतलब आप कैसे मिले थे अपनी वाइफ से तो कह रहे जब वो पैदा हुई थी मैंने उनको तभी पसंद कर लिया था मैं उस वक्त तेरह साल का था मैंने लाइक हाउ हाउ डू यू डू दैट आई मीन आई गेट इट थर्टीन ईयर ओल्ड बॉयज़ आर सुपर हॉर्नी बट लाइक हाउ डू यू लुक एट अ एंड डिसाइड शी अव बॉन्न एंडाइड किस चीज़ को डेड वेड एस हरकत है एनी वे anyway, उन्होंने शादी का कहा तो अब्बा ने यूनिवर्सिटी छोड़वा के शादी करवा दी लाइक द वर्स्ट एड इन्वेस्टमेंट माई हजबेंड ओ ओन्स अ वर्कशॉप ही इज कम्प्लीटली इलिटरेट हु क्लास फोर्थ हाउ डू पीपल इन दिसन एज डू दिस टू देर ओन डॉटर्स वो एंड शोल्स कहते ना एजियन फैमिली डोट गिवाउट देर डॉटर्स एंड दैटली ट्रू इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अबाउट वेमेन जहाँ डालना डाल दो हाँ बी एस कर रही है ये ले चार चार जमातें पास बच्चा ये लेरा ले How the fuck do the people do that? Hey, I have two problems. One of them is my sexual life, and the second one is property. I had sex only three times in my life. First on the wedding night, my husband, girlfriend, friends, and his cousin that, oh, make a So he will be a slave of life. And he took a pill and started the thing, ignoring my desires and everything about my feelings. Wow. Second and third time for kids, and even I'm surprised how easily I got pregnant in just one time.

he abuses him and denied to give share. my brother took a legal action by appealing in court. from that day, मेरे ससुराल और मेके वाले आपस में रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं और मैं पेंडुलम की तरह बीच में झूलती झूली जा रही हूँ और उसके बाद उसके बाद से हस्बैंड रोज़ मारते भी हैं और ससुराल जाने और तलाक का भी कहते रहते हैं लेकिन अम्मी अबू कहते हैं कि बेटी हम ये सब संभाल लेंगे तुम अपना घर बचाओ एंड अबव ऑल एंड अबव ऑल दैट मेरी सेक्शुअल डिज़ायर रोज ही बढ़ रही हैं और 18 साल से मैं दबा कर बैठी ओ गॉड शी वॉज ओके वाह आधी लाइफ इसी में निकल गई लाइक लाइक फॉर हाफ आर लाइफ शी स्टडी सिक्स आधी जिंदगी शीज़ बिन मैरिड एंड शी इज़ ओनली हैड सेक्स थ्राइज अठारह साल से मैं दबा कर बैठी हूँ अपने बाप भाई और शोहर की इज़्ज़त के लिए और इन सब मर्दों की वजह से मेरा ये हाल है और मैं इन्हीं के लिए कुर्बानी दे रही हूँ अब आप इमेजिन करें ये तो है एक शहर की बात जहाँ पे लड़की बीएस एस करी थी अब आप सोचें पाकिस्तान का सिक्सटी सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट इज़ रूरल एरियाज़ वहाँ पर क्या हाल होता होगा औरतों का आई मीन सेक्स इज़ एज़ एज इम्पोर्टेंट एज़ फूड और वो बेसिक चीज़ आपको खाना ना मिले अट्ठारह साल सोचो आपके हमसे ज़िंदा ही नहीं रह सकते मगर सोचें अट्ठारह घंटे खाना नहीं मिलता रमजान में तो कैसी हालत हो जाती है सोचें आपकी बॉडी की नीड है भाई उसको रिलीज़ करना होता है खैर ऑनेस्टली आई नीड गुड सेक्स आई डोंट केयर फ्रॉम वेयर लेकिन इज्जत फिर आ जाती है बीच में वन ऑफ द कज़न हु ऑलवेज वॉन्टेड टू मैरी मी इज़ मैरिड नाउ एंड हैड थ्री किड्स स्टिल ऑफरिंग मी के तलाक ले लूँ मैं शादी करूंगा तुमसे लेकिन उसका क्या भरोसा वो क्या वो कल मुकर जाए गिव ओपिनियन कि मैं तलाक़ ले लूं या वट एवर इज़ गुड फॉर मी आपकी अपनी कोई करीबी इस सिचुएशन में होती तो आप क्या सजेशन देते ऑफ में क्लोज़ फ्रेंड सेड रिश्ता रखते हुए किसी को फंसा लो क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिवोर्स को कभी कोई कबूल नहीं करता लेकिन आई नीड योर भाइयों वाला ओपिनियन आपको इतना कुछ इसलिए बता दिया है कि आई ट्रस्ट यू एंड आई ट्रस्ट योर ऑडियंस इज वेल थैंक यू देखें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी टू हेयर योर सिचुएशन मैं जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं दिस इज़ अ रियल ई मेल आई मीन और एक शहर की ई मेल है और एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ ही हो रहा है अब वो जी उनको बेसिक जो उनकी नीड है वो नहीं पूरी हो पा रही जाहिर है आई I मीन mean, इंसान की ख्वाहिश होती है और वो उसको सप्रेस किए बैठी है एंड ऑबियसली इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन अगर आप इफ़ यू डोंट रिलीज तो आई मीन फ्रस्ट्रेशन मस्ट बी एट पीक और शी वांट्स टू डू इट बट शी डॉन्ट डू द रॉन्ग थिंग दोस्त कह रही है किसी को फंसा लो आई मीन अल्लाह ना करे पता चल जाए आपके शोहर को तो जो पहले ही आपको इतना जुल्म करते हैं वो और क्या नहीं कर सकते फिर उनको और एक लॉजिकल ग्राउंड भी मिल जाएगा आपको छोड़ने का <coughs> फिर वो वाली बदनामी अलग है आई I मीन mean, आप किसी अगर आ, मुफ्ती वग़ैरह से पूछें तो वो तो यही कहते हैं आपका बेसिक राइट है आपका जायज़ हक है ठीक है ना आ, सोचने की बात है आपके शोर अगर आपके साथ नहीं करें तो किसके साथ करें क्योंकि आई मीन ऑबियसली वो भी इंसान है आ, बहुत से मर्द जो हैं दुनिया के लिए शादी करते हैं लेकिन अंदर से आई मीन दे प्रैक्टिस समथिंग एल्स और ये भी बहुत कॉमन अकरेंस है ऐसी बहुत ई भी हमने देखी इनफैक्ट आई रिमेंबर आपको भी याद होगा जो रेगुलर व्यूअर्स हैं एक ऑस्ट्रेलिया से एक ई मेल आई थी एक साहब के तीन बच्चे थे बट ही वॉज़ लाइक कि मैं तो गे हूँ बस घर वालों से आ, प्रेश घर वालों के प्रेशर में शादी कर ली और फिर प्रेशर में बच्चे भी हो गए लेकिन मैं तो नहीं फील करता उसके लिए और मैं आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग विद हर एंड थ्री मोर पीपल मेरी वजह से चार लोग सफ़र कर रहे हैं बट मैं तो अंदर से कुछ और सो लाइक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग सो हाँ नो मैम दिस इज दिस इज़ वेरी मगर हाँ दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन आप इसमें तो यही है अब आपके जो घर वाले हैं वो तो ऑब्वियसली उनसे क्या ही उम्मीद लगाए जब उन्होंने आपका बी एस छुड़वा के चार जमात पास मकैनिक से आपकी शादी कर ली तो वो तो आपको अच्छा मशवरा कभी भी नहीं देंगे वो चाहेंगे आप उधर सफ़र करो क्योंकि हमारे यहाँ होता यही है बेटी से जान छुड़ाओ और फिर वो भाई कहते जी बहन के घर का पानी भी हराम होता है लेकिन बहन की जायदाद खाना हलाल होता है ये हमारे मुल्क में सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है यार हमारे मुल्क में सबसे बड़ी हम जो है ना नमाज रोज़े हमारे पूरे हरकतें हमारी ये हैं ठीक है ना आप देख लें गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपके हर हर जानने वाले की ये कहानी है ठीक है ना बहन का हिस्सा खा लेना और ये कर लेना वो कर लेना अच्छा जहाँ बहन से फ़ायदे होते हैं वहाँ बहन के नाम प्रॉपर्टी करते थे ताकि एन एन ना बने या टैक्स ना जमा कराना पड़े मतलब इतने अरसे तो हम किसी की बहन का टैक्स भरते रहे क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थी तो बिजली के बिल में लग के आता था मतलब ये तो हाल है जाहिर है करोड़ों की प्रॉपर्टी में अगर आप रेंट कर रहे हो तो आई मीन छोड़ो हिपोक्रेसी है नमाज रोज़े उनके भी पूरे थे ठीक है ना वो ज़ाहिर मजलिस वजलिस सब पूरी होती सब पूरा होता था बट टैक्स नहीं देना तो ये बेसिक हिपोक्रेसी में हम रहते हैं भाई और उसी के ही खूमियाज है हम ना झूठ बोलते हैं अल्लाह मियाँ को हम समझते हैं फोर्थ क्लास अल्लाह मियाँ जो है ना कोई सात आठ साल का जैसे सात आठ साल के बच्चे को आप बेवकूफ़ बना लेते हो ना रोज हम अल्लाह मिया को इस तरह ट्रीट करते हैं इसी तरह इसी वजह से अल्लाह हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम हो रहे हैं और जो हमारे साथ हो रहा है क्योंकि हम झूठे हैं फ्रॉम द कोर फ्रॉम द वेरी कोर ऊपर कुछ अंदर कुछ अंग्रेज जैसा भी है जो भी है सामने होता है यार वो कहता है भाई मैं ऐसा हूँ नंगा गाऊँ तो नंगा गाऊँ ये नहीं होगी तुम्हारे सामने टखनों से ऊपर शलवार और पीछे जाके शलवार किसी बच्चे की उतार रहा ऐसे नहीं होता आई मीन ठीक है हर जगह ऐसी चीज़ें होती हैं एम नॉट सेंग मगर हिपोक्रेसी हमारे यहाँ बहुत है ऊपर कुछ अंदर कुछ जो कि कोई ढकी छुपी बात नहीं वो भाई का जो प्रॉपर्टी का मसला है वो तो फिर अगर आप उसको लीगली हैंडल कर सकती हैं मगर फिर वही वाली बात है नहीं अदालत जाने का मतलब मतलब ये है कि जो आपका बेटा है उसके बेटे को फिर जवाब मिलेगा कि जी ये सही हुआ है कि गलत हुआ है हर चीज़ की कोर जो है ना हमारे मुल्क में जो ख़राब है वो है बिकॉज हमारा जस्टिस सिस्टम है ही नहीं जस्ट भाई जो सोसाइटी जस्ट नहीं है तो बस बात ही ख़त्म हो गई uh, मगर फिर भी दैट डजन मीन यू शुड नॉट गिव अ फाइट Uh, उसके लिए तो आप लीगल तरीका ही है uh, प्रॉपर्टी का जो भी मसला है वो तो अब आप गन पॉइंट पर तो छुड़वा नहीं सकती भाई से मगर ये जो आपकी पर्सनल डिज़ायर वाली बात है आई टोटली एम्पथाइज आई टोटली अंडरस्टैंड और ये uh, ये मसले का हल नहीं है अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू इन्वॉल्व योर किसी के साथ भी अगेन मैं कोई मशवरा इस तरह का दूंगा नहीं कभी आपको मगर वर्स के सिनारी में कह रहा हूँ तो ये मसले का हल नहीं है प्लस आप एक बार आपको वो आप चीज़ हो जाएगी फिर आपकी डिज़ायर और बढ़ेगी बिकॉज ऑब्वियसली आप 18 साल से जो है आपने यू ओनली एक्सरसाइज योर राइट थ्राइस राइट तो फिर आपकी डिज़ायर और बिल्ड होगी फिर वो जितनी ज़्यादा डिज़ायर होगी उसमें फिर आपकी जजमेंट क्लाउड होगी जजमेंट क्लाउड होगी यू और प्रोन टू मेक मिस्टेक्स और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मिस्टेक हुई किसी ने देख लिया या कोई मैसेज पढ़ लिया या कुछ भी हो गया आ, तो वो फिर वो बात फिर वो फिर वो जो है ना वो फिर आपकी आ, आपके बेटे को फिर बस जिस तरह के ये जाहिल लोग होते हैं ताने देते हैं वो फिर आपके बेटे को बोलेंगे तुम्हारी माँ ऐसी है तो फिर वो आप बेटे की नज़र में भी गई शौर की नज़र में तो जाएंगी माँ बाप की नज़रों में भी जाएंगी भाई की नज़र में भी जाएंगी तो ये मैं आपको ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा आपकी दोस्त जो है आ, सही मशवरा नहीं दे रही बेहतर है भाई आप जान छोड़ाएँ और सीधी सीधी बात है ये आपको इस्लाम ही आपको राइट देता है आपकी अम्मू अबू अम्मी अबू कौन होते हैं ये राइट देने वाला आपका हस्बैंड कौन होता है इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि अगर आपको ये आपकी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो आपको बिल्कुल हक़ है कि आप खुला ले लें या वट एवर जो भी है रही बात ये जो आपके कज़न है क्या तलाक ले लें और मैं कर लूँगा तो भाई किसी के कहने पर तलाक नहीं लेनी होती उसको उसके तीन बच्चे ना उसको बोलो पहले तू, तू तलाक दे फिर मैं भी ले लेती हूँ फिर से फिर देखें हो क्या होता है मर्द इस तरह अगेन मैं आपके कज़न को जानता नहीं हूँ आई डोंट नो वट इज़ इंटेंशनज आर मगर सम मैन वो इस तरह ऑपरेट करते हैं कि सबको ज़ाहिर है एक साइड में एक चीज़ चाहिए होती है क्योंकि वो घर अपना कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ज़्यादातर लोग चाहे जिस किस्म के टॉक्सिक मैरिज में रहें लवलेस लाइफ में रहें सेक्सलेस मैरिज में रहें वो बस कहते हैं हाँ बस तू मेरे बच्चे संभाल ताकि मैं साइड में फिर कोई मामला देखूँ तो ख्वाहिश सबकी यही होती है कि एक ऐसी अपॉरचुनिटी हो जो जाके आप एक्सरसाइज कर सकें ऑन अ वीकली बेसिस या वट Uh, तो किसी के कहने में इस तरह नहीं करना होता अगर तो वो कह रहे जी मैं कर लूँगा शादी तुम तलाक ले लो तो बोलो भाई तो क्या गारंटी है इस बात की uh, और लाइक डू यू वांट टू बी समवन एज इज सेकेंड वाइफ ठीक है या फिर उन्होंने क्या ये बोला है कि मैं इसको छोड़ूंगा और फिर हम दोनों मिल शादी कर लेंगे क्योंकि हम पहले चाहते थे तो बोलो भाई ठीक है पहले तुम दो फिर मैं भी ले लेती हूँ आप, आप उसकी बातों में आके ले लें फिर कल को उसकी बीवी इमोशनली ब्लैकमेल करे या बोले जी मैं बच्चे ले जाऊंगी या फिर बच्चे रोने लगे फिर वो उसको एहसास हो कि यार मैं बस अपनी सर्टन नीड्स की वजह से जीते जाते बच्चे छोड़ रहा हूँ बच्चे डिस्टर्ब होंगे उनको डैडी इशूज़ ना हो जाएँ वट जो भी है फिर चलो नहीं मैं फिर नहीं करता तो फिर आप तो आधे रास्ते आ गए फिर वो आए ना आए तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती बड़ा रिस्की होता है किसी के कहने भी नहीं करना होता आ, तो आई डोंट नो व्हाट इज़ इंटेंशंस आर अगेन आई डोंट नो हिम आ, मगर ये जो आपने एक तो प्रॉपर्टी वाली बात ये तो आ, लीगली ही इसको परसू कर सकती हैं और रही बात आ, आ, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की तो फिर आपको 18 साल हो गए एक चीज़ में ऑब्वियसली आगे 18 भी ऐसी ही ज़िंदगी है ज़िंदगी एक बार मिलती है मैं सबको ये कहता हूँ एक बार मिलती है वर्ड वी ऑर्ड्स कि आप इस दुनिया में आएँ ज़ायर एवन यू नो वन वन इज़ टू हंड्रेड मिलियन चांसेस होते हैं एंड यू आर वन ऑफ हंड्रेड मिलियन उसके बाद फिर इस तरह की मिज़रेबल लाइफ जीना इज़ नॉट वर्थ इट कुछ लोग कुछ लोग जो है ना इसको भी कहते जी अल्लाह की मर्ज़ी है और जितनी सख्तियाँ यहाँ हैं आगे तुम्हें उतना ही वो मिलेगा और ये है और वो है भाई सहना जो है ना वो गुना है अल्लाह ने भी कहा है भाई नहीं सहना आपने आ, क्योंकि ज़ाहिर है इससे आप जान अल्लाह की है आपकी नहीं है इसलिए ख़ुदकुशी हराम है राइट तो ये रोज़ रोज़ मरना जो है ना ये भी ख़ुदकुशी ही है स्ट्रेस से लोग मर जाते हैं यार तो अपने आप को इस तरह अजियत में रखना फिर ज़ाहिर है आपको अजियत मिल रही है यूर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली इफ़ यू नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली यू आर नॉट रेजिंग योर चाइल्ड यू आर नॉट रेजिंग योर चाइल्ड प्रॉपर्टी तो फिर पूरा एक डिसअरे है और पूरा जो है ना फैब्रिक पूरा आपके घर का हाउस होल्ड का फैब्रिक डिस्टर्बड है अल्लाह तो कभी भी नहीं चाहता अभी इस तरह डिस्टर्ब लाइफ गुजारे आप पीस की ज़िंदगी गुजारनी है आपने तो ये जो है ना ये घर वाले जो बोलते हैं आजमाइश है बच्चों की खातिर जी लो ओ भाई बच्चों की खातिर ठीक है जीना है लेकिन ऐसे भी नहीं जीना है यार ये भी कोई जीना नहीं होता है कि जी ख़ुद रोज़ मर रहे हैं ये कोई जीना नहीं होता ये तो आप मर रहे हैं आप यू स्लोली गोइंग टू योर ग्रेफ लाइक दैट इमोशनली तो ये नहीं होता भाई आप पढ़ी लिखी हैं माशाला यू कैन प्रॉब्ली रेज हिम बाय योरसेल्फ Uh, मगर फिर आप वर्स के सनारीयो भी मद्देनज़र रखें घर से कितनी सपोर्ट होगी क्या आप एजु खैर आप छत्तीस में अगेन इज़ नो लिमिटेशन बंदा कभी भी डिग्री कर सके लेकिन आई डोंट नो आपकी कितनी हिम्मत है कैन यू गो बैक टू स्टडी मगर वही वाली बात ना है आप आप छत्तीस की हैं यू प्रॉब्ली नेवर वर्कड फिर वर्क फोर्स में आपको वो जगह मिलेगी नहीं फ्री आप कर सकती हैं नहीं कर सकती अगेन बहुत सारे सिनारीय सोचने के हैं पैसे कहाँ से आएंगे पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं पैसे के बगैर जिंदगी नहीं गुज़रती और ये झूठ है ये अमीर लोगों ने गरीबों को झूठा बनाया हुआ है झूठ पिलाया हुआ है कि जी अमीर तो आराम की नींद नहीं सोता वो तो नींद की गोलियाँ खा के सोता है तो तुम गरीब सही हो तुम अच्छे हो टाट पर सो रहे हो बहुत वेरी गुड बहुत अच्छा काम कर रहे हो ये सब झूठ है बहुत नरम बेड होता है अमीरों का भाई बहुत नरम बेड सोच है आपकी खैर तो ये सारे सिनारी उसको आप मद्दनज़र के लेकिन क्लियरली ये तो आ, इ, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट एंड क्लियरली और आई एम श्योर आपने अठारह सालों में हस्बैंड से अठारह बार तो ख्वाहिश जाहिर की होगी कि भाई कुछ कीजिए इसका अब क्लियरली वो नहीं कर रहे या तो वो किसी और में इन्वॉल्व है या किसी और जेंडर में इन्वॉल्व है और तीसरी कोई बात नहीं है कि एसेक्शुअल भी हो सकते हैं यू नेवर नो बट आई एम नॉट रियली श्योर तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि भाई कोई इस तरह का ना करें जिसमें आप अपनी जायज़ चीज़ भी अगर अप्रोच करने जा रही हैं तो वो फिर एक नाजायज़ तरीके से हो और फिर वो सामने आए तो इवन तो आप एक अपने लिए सही चीज़ सोच रही थी मगर फिर वो आप पे ही गलत पेंट हो जाए और फिर ज़िंदगी भर आपको उसको सहना पड़े सो so लाइक like, जो भी करें उसको थ्रू प्रॉपर चैनल करें और स्टैंड लेना सीखें अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लें क्योंकि भाई 18 साल ऐसे गुजर गए मतलब 36 की आप ऑलरेडी हो गई हैं बाकी छत्तीस भी यूँ आ जाएंगे पता नहीं चलेगा एंड देन यू लिव अ वेरी वेरी मिजरेबल लाइफ आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट्स रोजी राइट नाउ ऑबियसली अभी भी मिजरेबल ही है तो इस चीज़ से बाहर हैं ख़ुदकुशी है ही, ही है और खुदकुशी हराम है तो आ गया फैसला आपका ख्याल रखिएगा लॉट्स सर प्रेयर फॉर प्रेयर फॉर यू थैंक यू हाँ जी ने क्वेश्चन इन द वे ऑफ डोल डोल पी एच डी बट स्टक इन डोमेस्टिक पी एच डी वालों के भी मसले वो डोमेस्टिक ही फंसे डियर कंसर्न

फिर चाहे मैं मर भी जाऊं, शी डोंट केयर एंड शादी भी जबरदस्ती वाली फिर वो लड़का भी देखते हैं तो पानी की मोटर सेल आउट करने वाला या किसी परचून की शॉप वाला एंड शी इज़ हैप्पी फॉर दैट क्योंकि उनको ना नानो बनना है मेरे भाइयों ने दो साल पहले डोमेस्टिक वायलेंस किया था क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही थी अभी मैं खाला के पास रहती हूँ वो विडो हैं एंड विद नो किड्स बट वो मुझे बट वो मुझे अकेले भेजने, अकेले भेजने के हक़ में नहीं है अगर मैं किसी को साथ ले जाती हूँ तो इतने फाइनेंस भी नहीं हैं मेरे भाई बहुत एक्सट्रीमली रिलीजस हैं और शरीफ हैं दुनिया के सामने जबकि उतने ही बेग़ैरत हैं अंदर से सी पिछली मिल में क्या कह रहा था बाहर कुछ हैं अंदर कुछ और है। अबू टॉक्सिक थे डोमेस्टिक वायलेंस करते थे अब अबू नहीं रहे तो अब भाई समझते हैं कि औरत को मारना लाजमी है वो भी लड़का भी ऐसा ढूंढते हैं जो कि ना काम करता हो या काम या कम पढ़ा लिखा हो या लंबा ख़ानदान हो ताकि वो मेरे ताकि वो मारे पीटे मुझे मेरे पास एविडेंसेस भी हैं फ़ोटोज़ भी हैं मैंने जो जब पुलिस का बोला तो कहने लगे कि वो तुम्हारा रेप कर देंगे तुम इससे इसी लाइक हो जो लड़की बाहर निकलती है उसको पब्लिकली न्यूट करना चाहिए और, और मेरी बहन आपने तीन बैचलर्स कर लिए एक हाथ भाई को भी करा देते मतलब ये सोचे इन लोगों की अल्लाह माफ़ करे यार उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जैसे कि प्रॉस्टिट्यूशन वगैरह वगैरह अल्लाह माफ़ करे फादर की डेथ के बाद से मैंने जॉब्स की जो जायज़ की अमाउंट थी वो अपने भाइयों की एजुकेशन घर के ख़र्चे में अचाप ने बढ़ाया पे लगाई जब अबू की पेंशन आने लगी तो पहले मेरी जॉब ख़त्म करवाई फिर इल्ज़ाम लगाए कैरेक्टर पे एक सेकेंड बहन आपने तीन ग्रेजुएशन और पी एच डी किए और आप नहीं सॉरी पी एच डी करने जा रही हैं डोल पी एच डी फॉर योर एजुकेशनल बैकग्राउंड योर राइटिंग स्किल्स आर आर वेरी पोअर मैं कोई uh, शुगर कोटिंग नहीं करूँगा मगर अगर आप इस तरह लिखती हैं मतलब पैराग्राफ सारे जोड़ के और लाइक like कोई कैपिटल वर्ड्स को मतलब कोई मतलब एक स्मॉल लेटर की एक चेंज चल रही है एक सांप चल रहा है लंबा सा तो अगर आपको कल को ऐसे वगैरह लिखना पड़ेगा अपनी पीएचडी के लिए कि आप क्यों करने जा रही हैं तो मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा आई एम रियली सॉरी टू से दिस मगर अगर मैं नहीं कहूँगा तो कौन बताएगा आपको और यही बात मैं अक्सर कहता हूँ अपनी दूसरी वीडियोज़ में भी कि हमारे मुल्क में पीएचडी भी अगर है ना तो वो बेसिक बेसिक चीज़ों पे वो लैक कर रहे होते हैं एंड राइटिंग इज़ लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग अगर आप अपनी बात ही मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में अगेन लाइक आई टोटली एम्पथाइज़ विद योर प्रॉब्लम बट दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर प्रॉब्लम अगर आप इस तरह ई मेल फार्मूलेट करेंगी और आपने कल को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो उनको समझ नहीं आएगी तो वो आपको कैसे एडमिशन देंगे और आपका जाना ज़रूरी है और अकेले जाना ज़रूरी है क्योंकि आप तो यहाँ बहुत बुरी सिचुएशन में हैं अच्छा करेक्टर पे इल्ज़ाम लगाए थे घर में बंद कर दिया था जिस जिस अच्छा आच, ये वर्ड्स में ना ख़ुद मतलब जोड़ने वाले खुद बना रहा हूँ ये मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ क्योंकि लिखा तो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ देन घर पे बंद कर दिया जिसे साइकोलॉजिकल ये मैं खुद बना रहा हूँ फॉर्मुलेट कर रहा हूँ अक्सर ईमेल्स में ये होता है कि सेंटेंस खुद बनाना पड़ता है उस तरह लिखा हुआ नहीं होता बट बर... ओके okay. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया मुझे सुसाइडल थाट आने लगे तो फिर उस पर कहने लगे कि अच्छा हुआ तुम मर क्यों नहीं जाती अम्मी उनको कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तो यार भाई गैप दिया करें वो तो बेटे हैं उल्टा मुझे कहते हैं ज़बान मत चलाओ या मार खाते रह, मार खाते रहो चुप करके जैसे उन्होंने कहा है भाइयों में अर्निंग करके कोई भी अम्मी को नहीं देता मुझे भी अम्मी को मुझे भी अम्मी कोई अमाउंट नहीं देती जबकि पेंशन एंड ग्रेजुएट ग्रेजुएटी ग्रेजुएट लिखा है मेरे फादर की है मैंने जब जायदाद की बात छेड़ी तो फिर मुझसे आगे लड़ाई की मेरी सिस्टर जो कि पंद्रह एज की हैं स्कूल से निकाल दिया है और बोल रही हैं कि इसकी शादी करवाएंगे क्योंकि मैंने पढ़ लिया तो ज़बान चलाती है जबकि मैं सवाल करती हूँ खाला मामू को लगता है कि मैं घर से भाग जाऊंगी जबकि ऐसा नहीं है मेरे भाई ने बातें ऐसी की हैं मैं स्कॉलरशिप ले ले भी लूं तो इस कंट्री से निकल नहीं सकती विदाउट शादी के उनको लगता है कि बाहर अयाशी करेगी शादी के लिए बॉय ढूंढो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की किसी को भी हजम नहीं होती एरिया देखकर मना कर देते हैं कराची के बॉयज़ अच्छा लड़कियां भी करती हैं वैसे खाली बॉयज़ नहीं करते मेरे बड़े दोस्त हैं वो रिजेक्ट ही नहीं मेरे कुछ दोस्त हैं वो एक्सेप्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनका एरिया बड़ा अच्छा है क्योंकि वो घर बाप ने लिया था तीस साल पहले ज़मीनों की कीमतें कम थीं मगर अब वो ज़ाहरा जॉब वाले हैं तो जब वो रेगुलर सी गाड़ी में जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं आप तो वहाँ से आए थे ये तो गाड़ी तो वो मैच ही नहीं कर रही आपसे तो खाली लड़की नहीं लड़कियां भी बहुत रिजेक्ट करती है और वो उनकी शादी नहीं हो पा रही फॉरेन कंट्रीज़ के प्रपोज़ल देखे तो वहाँ के बॉयज़ को लगता है कि ये लड़की शादी करते ही सिटीज़नशिप लेकर भाग जाएगी वो सिटीज़नशिप जेब में थोड़ी रखी हुई लेके भाग गई छः साल लगते हैं भाई छः छः साल लगते हैं या फिर वो अपने ही ख़ानदान या सिटी में करना चाहते हैं मैं लियारी में रहती हूँ सिक्सटीन टू एटीन आवर्स लाइट जाती है रिसर्च वर्क करना मुश्किल हो जाता है क्यों के के लिए कोई बस नहीं जाती डबल बसेस करनी पड़ती हैं मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ जैसी ही ज़िंदगी गुजारूं इसलिए मेहनत की वेरी नाइस nice. पाकिस्तान में करप्शन बहुत हाई है विदाउट करप्शन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती एंड प्राइवेट में फादर की डेथ के बाद से वर्क आई टू वर्क सिक्सटीन आवर्स अ डे सेवन डेज अ वीक फिर भी पच्चीस से तीस हज़ार देख रहे हैं कितनी कम सैलरी मिलती है पाकिस्तान में दैट्स वाई अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स बस कोई एक रास्ता बता दें मैं स्कॉलरशिप लेके कैसे निकलूँ गायब होंगी तो बहन क्या गायब होंगी तो बहन बहन पर जुल्म होगा अच्छा बता दूँगी तो कैद कर लेंगे मेरे भाई के करतूतों का पूरे ख़ानदान वालों को पता है नन्याल एंड ददयाल को भी कोई भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एंड फोर्स मैरिजेस नॉर्मल हैं एंड दैट्स हाउ द ई एंडेड बेटा पहले तो मैं आपको बिल्कुल सही वाला मशवरा दूँगा यू नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स क्योंकि रिसर्च वर्क हो गया या कुछ भी हो गया या कल को कोई जॉब भी करनी हो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए वो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं सो यू नीड टू फोकस आपने इतनी सारी ग्रेजुएशन और पी करनी बट दिस लाइक द बेसिक थिंग यार अगर आप लियारी में रहती हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं वहाँ परवीन नाम है उनका अगर आप सर्च करें यूट्यूब पे जुनेद अकरम और आगे परवीन लिखें तो एक पॉडकास्ट मैंने उनके साथ की थी वो लियारी में सोशल वर्क करती हैं और वो बहुत फ़ेमस भी हैं वहाँ पे और बहुत रिस्पेक्टेबल भी हैं अगर आप चाहें तो उनसे राबता करें वो आपकी शायद इसमें हेल्प कर सकें इन टर्म्स ऑफ़ के वो आपके भाइयों को आपकी मदर को समझा सकें अच्छा परस्पेक्टिव दे सकें उन्होंने काफ़ी लोगों की वहाँ हेल्प भी की है एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ़ माइंड बहुत अच्छी काम बहुत अच्छा काम करती हैं वहाँ ये एक तरीका है और आ, शादी करके आप नहीं सॉरी शादी करके जाएंगी तो शादी करके आप ऐसे जा नहीं सकती आई डोंट थिंक सो कि ऐसे डबल वीज़ा मिलते होंगे स्कॉलरशिप्स पे कि जी श्योर भी ले जाएं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट होता भी होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि जो आपसे शादी कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसी लैंड और रहा वहाँ से भाग जाए ठीक है ना तो ये भी बड़ा रिस्क होता है ख़ुद से भागेंगी तो बात आपकी सही है आपकी बहन पर जुल्म होगा अब आपके भाई ऐसे हैं आपकी वालद ऐसी हैं मुझे लगता है आपने पूरे घर की हिस्से की पढ़ाई आपने ख़ुद कर ली थोड़ा बहुत वो भी अगर पढ़ लेते हैं थोड़ा कुछ समझ लेते सीख लेते एंड दिस इज़ वेरी सैड कि आप पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कि मतलब प्रोस्टिट्यूशन वाला कौन कौन भाई अपनी बहन को इस तरह कह के, के बुलाता है और इट्स जस्ट वेरी सैड के यू की बस नहीं आती ले आ रही इस पर मैं ज़रूर मैं आई विल रेज दिस कंसर्न के यू के जो पॉइंट होते हैं जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स होते हैं आई नो कि ये एम एजिना रोड पे चलते हैं के यू के पॉइंट्स बट आई आई डेफिनेटली रेज इट विद विद दी अथॉरिटीज़ देयर के कोई पॉइंट आपके इलाके तक भी है दो दो बसें बदलना और इस महंगाई में कितना किराया बस का आजकल बीस बीस पच्चीस रुपए तो होगा स्टार्ट। स्टार्टिंग बीस है तो लियारी से के यू यानी वो तीस रुपये आना तीस रुपये जाना मिनिमम ज़्यादा होगा सत्तर अस्सी रुपए रोज़ का तो ये तीन हज़ार तो यही होगा फिर आपको पैसे घर के अम्मी ख़र्चा नहीं देती काम भी नहीं करने देते ओह इस स्वीट साइड आपकी जो है ना आपकी मुक्ति जो है ना आपकी आज़ादी ऑस्ट्रेलिया में ही है आप यहाँ रहेंगी तो ये जीते जी आपको ऐसे ही मार देंगे मगर अगर, अगर आपको अपनी बहन का ख्याल है कि उस पर साथ ऐसा ना हो कि अगर आप निकल जाएं तो फिर उसको ताने पड़े कि देख वो भी भाग गई वो तो ऐसी थी वैसी थी चलो जी इसको पकड़ के किसी मकैनिक से शादी करा दी अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मकैनिक होना बुरी बात है मगर ये कि जोड़ की शादी हो ना अगर तो अनपढ़ मकैनिक है अगर उसकी अनपढ़ औरत से हो रही है अव्वल तो आई I मीन mean, क्या ही करें भाई मतलब पॉपुलेशन यहाँ से ज़्यादा बढ़ रही है और वो फिर वो दे डोंट बिकॉज वो ख़ुद एजुकेटेड नहीं होते वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते और फिर वो एक सिलसिला चलता रहता है आ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी बहन पढ़ी लिखी है और जैसे पिछली ईमेल में था वो बी और चार जमात पास मकैनिक से शादी करा दी मैं उस तरह उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मकैनिक होना कोई बुरी बात नहीं है रिस्क के हलाल कमाते हैं अच्छी बात है तो तो ये भी खर्च बट देन फिर अब आप ये सोचें ना आई मीन इंसान को एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के लिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत अहम है अब आपके भाई तेज में आके ख़ुदा ना खास्ता कोई अभी तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मार पीट कर रहे हैं कल को कोई औज़ार ही ना उठा लें अल्ला ना करे कुछ भी कर सकते आपको बुरी तरह हर्ट ना करें इंजर्ड ना करें तो आपकी सेफ़्टी इसी में ही है अब ये कि जी शादी करके कहीं बाहर जाओ तो अच्छा ये लोगों ने पता नहीं क्या समझा कि वे बाहर मुल्कों में सब नंगे घूमते हैं भाई अभी मैं छः हफ़्ते घूम के आया हूँ हो जाते हैं नंगे अभी मैं कॉन्सर्ट में था एक लड़की ने मिक जैकर को देख के कमीज ऊपर मेरे सामने ही कर दी थी मैं एकदम यूँ हो गया ओके ठीक है मगर कोई सड़क पे ऐसे नंगे नहीं घूम रहे होते भाई कोई रीज़न नहीं होता कि चलो जी कोई भी नहीं कपड़े उतार लिया लोग खड़े ऐसे नहीं होता यार और आपने अगर अच्छी तरबियत की है ना मेरे भाई जितने भी सुन रहे हैं ना इस तरह के टॉक्सिक भाई या बाप जितने भी सुन रहे हैं आ, जिसने करना होता है ना वो पाकिस्तान में सब कर लेता है कौन से नशे कौन सी ड्रग्स कौन सी पार्टियाँ कौन सा लुच लफंग बना जो है ना आप जो आपकी नज़र में है वो यहाँ नहीं होता ऐसा ही है भाई कोई रोक टोक को होती है कि आज बड़ी रात है आज मुहर्रम है आज हम नशे नहीं करेंगे सब होता है डेली होता है ठीक है ना बड़े बड़े अपार्टमेंट यहाँ इन्हीं चक्करों में आबाद हैं बड़ी बड़ी सिचुएशंस हैं तो जिससे करना होता है भाई वो यहीं कर लेता है जिससे नहीं करना होता वो शराब खाने में भी रेड बुल पी लेता है जैसा कि आपका भाई सामने है अगेन मैं आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन जो के पीते हैं लेकिन भाई फंक्शनल अल्कोहलिक है ठीक है भाई बल्ले बल्ले उसकी अपनी लाइफ है अपनी चॉइसेस हैं मैं ये कह रहा हूँ कि भाई चूँकि मेरी तरबियत ही नहीं है कि मैंने नहीं पीना मुझे हमेशा से बताया गया ये नहीं पीना तो अब मैं नहीं पीता तरबियत आपकी अच्छी है तो वो आप उसको वेगस भी भेज दो ना अबे वेगस में हम ऑमलेट खा रहे थे सुबह उठ के और आठ बजे सो जाते थे <laughs> बिलाजी और कसीों के ऊपर सो रहे आठ बजे जुआ ही नहीं खेल रहे क्योंकि कभी खेला ही नहीं ना ही हमारी तरबियत है तो भाई जिससे नहीं करना होता वो नहीं करता जिससे करना होता वो इधर सब कर लेता उसको ऑस्ट्रेलिया जाने के नंगा होने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ सारे हट भाई तुम्हारे घर के पास सारे हट जाते ना किराए पर अभी भी गए वे आज भी आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं भाई माड़ीपुर से आते हैं हमारे नए कैमरा तो भाई जिसने करना तो यहाँ कर लेता तो ये कोई वो नहीं है कि जी बाहर जाके वो नंगी हो जाएगी हाँ लोग अगर टायर चेंज होता है अब ज़ाहिर है बाहर जाके कोई शलवार कमीज भी नहीं घूमता फिर वो अपनी कंफर्ट के लिहाज से भाई कोई जीन्स पहन लेता है कोई स्कर्ट पहन लेता है जो भी है मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये दावत है कि जी अब मैंने जींस पहन लिए तो अब आके मुझे कोई भी कुछ कर दे ऐसा नहीं होता यार खुदा के वास्ते ये फतूर निकालें अपने जहनों से यार ऐसा नहीं होता दुनिया में कोई कंसर्न नाम की एक चीज़ होती है कोई नंगे वंगे कोई नहीं घूम रहा कोई दावतें नहीं देता फिर रहा नहीं देता फिर रहा भाई हमें किसी ने दावत नहीं दी मैं इतना ही बता सकता हूँ भाई बीस बाईस मुल्कों में गया हूँ कभी किसी ने नहीं, नहीं बोला जी अच्छा ओ आ जाए भाई कुछ नहीं होता ऐसे प्लीज़ फिल्मों में आपने ये गंदी फिल्में देखी हैं तो आपको लगता है कि ये ऐसा ही है ऐसा नहीं है इट्स लाइक like आपने जो है अब मैं किसकी मिसाल दूँ खैर कोई मिसाल जहन में नहीं आ रही एनी वे तो बहन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने जाने का सामान करें और बेहतरी आपकी उसमें ही है कि आप कोशिश तो करें ये परवीन साहिबा से आप रबता करें या फिर लियारी में बहुत सारी एन हैं जो कि एजुकेशन पे काम करती हैं नॉट जस्ट परवीन बहुत सारी एन हैं ठीक है आप कोशिश करें उनसे राबता करें कि क्योंकि देखें अब आप ज़रिए लियारी से हैं सो आई एम अज्यूमिंग योर यू बिलोंग टू अ सर्टन एथनिक uh, बैकग्राउंड uh, तो वो उनको उन्हीं के ज़बान में समझाते ना तो अपना बंदा जब बात करता है ना तो ज़रा समझ आती है ठीक है ना अब जैसे कोई पख्तून है ना तो उसको कोई पठान आके ही समझाएगा तो वो पश्तों में वही समझेगा उसकी बात कोई और जाएगा ना वो बोलेगा यार नहीं क्योंकि वो ट्राइब ट्राइब ट्राइबल है ना मंदिर से तो अपनों की बात हम ज़्यादा सुनते हैं तो कोशिश करें वहाँ आपको कोई हेल्प मिल जाए जो कि उनको एक समझा सकें कि ऐसा नहीं है और वो ज़रा आपको आपके पैर आपकी, आपकी मदर को आपके भाइयों को कायल करें ठीक है फिर दूसरा रास्ता ये है कि फिर आप ख़ुद ही अपना अहतमाम एत, करें और बस फिर निकल लें चुपके से वरना फिर वो आपको आपकी लाइफ जो है ना डेंजर में मेरी नज़र में जितना आपने लिखा है इस लिहाज से आप सेफ़ नहीं हैं और सेफ़्टी पहली गारंटी है इंसान को एट दी एंड ऑफ द डे अपने आप को जिंदा रखना है और जिंदा बचाना है और हमारा दीन भी ये सिखाता है क्योंकि ठीक है मौत बरह के लेकिन आपने अपने आप को रोज़ बचाना है ठीक है जब आनी है तो आनी है लेकिन आपने अपने आप को सिक्योर रखना है और आपका फ्यूचर अगर आगे है तो अपने फ्यूचर पर ना ये देखें अपने जाहिल भाइयों की वजह से एम सॉरी फॉर आई एम यूजिंग दिस वर्ड की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें जस्ट बिकॉज वो हिपोक्रेट एंड डज मीन कि आपने एक uh, लाउजी सी जिंदगी गुजारनी है जहाँ 16 से 18 घंटे लाइट नहीं है ये ज़िंदगी नहीं है मेरी बहन दुनिया बहुत बड़ी है दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपने वो वीडियो देखी होगी वो गूगल वाली जो मैंने बनाई थी शफीका वो भी जब इंटरव्यू दे रही थी गूगल का उनका नेट बंद हो गया था अब माशा वो एक बहुत अच्छी जगह पर हैं और क्यों क्योंकि उन्होंने हिम्मत की उनकी भी सिचुएशन आसान नहीं थी ज़ाहिर प्रॉब्लम था सर पाकिस्तान की लड़की हो और उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता वो चाहे वो आपकी तरह तीन ग्रेजुएट डबल पीएचडी हो या वो चाहे मैट्रिक पास हो जिंदगी औरत की बकवास है इस मुल्क में आई एम सॉरी टू से दिस बट इट इज़ अ फैक्ट ठीक है तो चीज़ें अपने हाथ में लेनी होती हैं मैं आपको बहन भाइयों वाला मशवरा दूंगा कि अपने आप को सिक्योर करें और अपने आप को इस दलदल से और गंदगी से निकालें और ये सोलह घंटे की अट्ठारह घंटे की लोड शेडिंग से निकल के आप 16 से 18 घंटे की एक सुकून वाली ज़िंदगी की तरफ गामजन हो मेहनत करें और आगे बढ़ें किसी को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कोई गारंटी नहीं है वो आप किसी को ले जाएं वो उधर मुंह मारता फिर है इसकी क्या गारंटी है कि जी आपको था कि आप बिगड़ जाएंगी वो पता चला वो निकल गया किसी और लाइन में निकल गया फिर तो ये कोई गारंटी नहीं होती भाई करें अपना अलग करें और ये अभी शादी वादी कीजिएगा एक मकाम बना लें ये किसी को ले जाने वाली नहीं हो रही तो ये मैं आपको भी से बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद जब जाएंगी तो आपके पास इतने सारे चैलेंजेस होंगे आपको नौकरी भी करनी पड़ेगी आपको शेयरिंग में अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा बेड स्पेस के पैसे देने पड़ेंगे किराया पूरा करना होगा ट्रांसपोर्टेशन होगी खाना पीना सफाई घूमना फिरना पढ़ाई के अखराज बहुत सारी चीज़ें होंगी तो वो अकेले को ही इतना मुश्किल होता है फिर आप साथ एक लंगूर ले जाएंगी तो वो कहाँ पालेंगे आप उसको ही ना करें और कोशिश करें लेकिन ये कि आपका फ्यूचर यहाँ नहीं है अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको हंड्रेड परसेंट अव, अव, अवेल करें और एक खुशहाल और पीसफुल ज़िंदगी की तरफ गामजन हो वरना इस सिचुएशन में अगर आप रहीं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपने आज लिखा है कल को ये बहुत बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं ठीक है थीके? अपना ख्याल रखिएगा और right, जी नेक्स्ट सवाल अगेन पी रिलेटेड It's neat suggestion providing a platform for Pakistanis to facilitate their PhD admission process in the American universities. Good. I'm a big fan of your work on YouTube regarding public awareness and motivation. My name is ABC. I'm from KPK. ABC KPK. Nice. I studied for my I studied for my engineering and masters in Pakistan, and currently I am doing my PhD in the US. My education funding is supported by my PhD advisor, and after the PhD is complete, I can choose to stay and work in the USA. In the meanwhile, most people get their green card by then. I came from I come from a lower middle class family, and most of my education was supported by scholarships. Coming to the US for education was like a dream come true, but I never believed that I would get admission here. My family encouraged and supported me to prepare for the GRE and IELTS exam, and after sending out a few emails to pro professors. आई गॉट दी एडमिशन देखा ई मेल पर काम हो जाता है लेकिन ई मेल अच्छी की होगी इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी प्रॉपर्ली यू नो स्ट्रक्चर करके भेजी है तो ई मेल्स पर काम हो जाता है भाई करने वाले बनो आई गॉट दी एडमिशन वाइल आई वॉज डूंगई मास्टर्स प्रोग्राम इन पाकिस्तान आई फाउंड अ जनरल नोशन अमंग पास्तानी स्टूडेंट्स दैट इट इज सुपर हार्ड टू गेट इन दू एस यूनिवर्सिटीज एंड सो एंड सो नो वन वुड एवर अटैम्प्ट आई कंसिडर माई सेल्फ इन एग्जाम्पल दैट आई है प्रोसेस बट विद्प ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट आई वॉज़ एबल टू गेट there. यही बोलता हूँ भाई सब इंटरनेट पे मैं ही नहीं कह रहा कि बहुत बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है यार मैंने लोगों को देखा है मुझे एक किसी से मेरी एक बार मुलाकात हुई उनके एक दोस्त हैं वो यूरोप में वो बच्चा जो है बाईस साल नहीं 21 साल की उम्र से निकला हुआ है पाकिस्तान से और वो डिफरेंट मुल्कों में सेमेस्टर करता है और वो नेट से सब सीख लेता है एक सेमेस्टर एस्टोनिया में किया एक जर्मनी में किया एक वहाँ मतलब घूम रहा है ऐसे Cultural learning. I'm planning to create a Facebook page with the title Pakistani PhDs in USA in order to share experiences, guidance, and suggestions for students who want to pursue PhD in the, in the USA. Do you think that is a good idea? Most of the Pakistani students in the US are either from a rich family background, mostly undergrads and some master's students, and the PhDs, which are few in number, have some kind of scholarships. Among which the most popular is Fulbright Scholarship. There are great opportunities for students to get here on professors' funding for PhD, and later they can choose to join the industry or continue academic careers. I know that a lot of students wish to get here, but they never dare to attempt because they don't have examples around them. log attempt local example. They there are other Facebook pages such as Scholarship Network and provide, that provide excellent resources for graduate stu stu studies but their countries of target are South Korea, Italy, Germany, China, etc. They are not targeting USA probably because people find it difficult. There is another popular Facebook page, Pakistani Students in USA, but it only provides visa interview related guidance and is mainly used by undergrad and master students. I believe that if Pakistan is anyways being a part of the brain drain, it should be done in the best way. There are hundreds of world-class universities in the US, and plenty of funding opportunities in the job market in the US is the best in most areas of studies. Most of the international student community in the US is from China, Iran, India, and Bangladesh, and Pakistanis are seen as well, but in very small numbers. I want to see this number rise, like yourself. I also have a passion to work for the public and help boost the people of my country and seeing it rise on the global map. kindly share your views about my idea and replying to this email would you would if you think it's worth sharing uh, in the podcast i did share on the podcast excellent idea aur ye bilkul sahi baat hai rehnumai honi chahiye isko brain drain main isliye nahi kahunga kyunki yaar dekho अगेन जिंदगी एक बार मिलती है जब हार्वर्ड में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इकरा में क्यों पढ़ोगे तुम तो? सीधी सीधी बात है राइट तो इसको drain ड्रेनिंग अगर एक आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के अच्छी डिग्री ले के इफ़ यू कम बैक एंड यू सर्व एक्सपोजर ही अलग होगा यार आपका और जब वो आप ज़रूरी नहीं कि सारे वहाँ रह जाते हैं अव्वल तो आई मीन ये आपकी अपनी चॉइस है कहाँ रहना चाहिए नॉट गोइंग टू पुट वर्ड्स इन योर इयर्स बट बट ये कि बहुत से लोग चूज़ टू कम बैक एंड देन सर्व नॉट द कंट्री कंट्री बट लाइक अपनी एक्सपर्टीज़ लेकर आते हैं पाकिस्तान में विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट सो आई वोट कॉल इट ब्रेन ड्रेन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है अच्छी तालीम मिल रही है अभी यहाँ एम एस डॉस पढ़ते रहोगे भाई कोई मसला यहाँ पे छोड़ दो खैर वसिन कोई मसला नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं खैर तो ये अच्छी काविश है अच्छी कोशिश है इनफैक्ट मैंने भी जो वो एक पहली वीडियो बनाई थी नॉट पहली वीडियो लाइक मैं म्यूनिक में था तो एक, एक वीडियो वहाँ स्टूडेंट्स के साथ बनाई थी और वो यही था हाउ टू स्टडी इन जर्मनी जिसको देख के बहुत सारे नॉट जस्ट पाकिस्तानीज इंडियंज एंड बांग्लादेशी स्टूडेंट्स एंड डप इन जर्मनी जस्ट बिकॉज ऑफ डैट वन वीडियो दैट आई डेड विद दो वंडरफुल गाइज आई स्टिल हैव दैम ऑन माई फेसबुक अच्छे लड़के तो इसी तरह अभी मैं अभी जब मैं जर्मनी में था मुझे एक लड़का मिला हमद नाम था हैदराबाद से उन्होंने भी यही कहा आप की वीडियो देख के मैं यहाँ आया हूँ और वहाँ पे ए आई की पे डिग्री कर रहे थे आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या उनकी डिग्री कहलाती है खैर उन्होंने जर्मनी सी जर्मन सीख ली एक साल में सी वन एक होता है उनका लेवल होता है लैंग्वेज का उसने वो किया विच इज़ वेरी इंप्रेसिव अपेरेंटली तो अगेन वही वीडियो देख के पहुँचा था तो so, मेरी भी यही कोशिश होती है भाई जितनी रहनुमाई कर सकें करनी चाहिए Uh, अच्छा एक्सपोजर जब आपके पास अवेलेबल है तो वाई नॉट एंड एज शफ़ी का सेट बहुत सारे लोग डर जाते हैं टाइटल से डर जाते हैं भाई माइक्रोसॉफ्ट हमें कहाँ लेगा गूगल हमें कहाँ लेगा एच हमें कहाँ लेगा इंटेल हमें कहाँ लेगा ले लेते हैं भाई आप अगर आपकी वर्थ है क्यों नहीं लेंगे बिल्कुल लेंगे अपनी वर्थ वो बनाओ और ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने सीधा सीधा ई मारी प्रोफेसरस को और आपको स्कॉलरशिप मिल गई और ये हो जाता है भाई इस तरह लिंक इन यार इज़ द बेस्ट रिसोर्स यू हैव आप कंपनी के डायरेक्ट मैनेजर के पास पहुंच जाते हो एच तो बाद में जॉब रिलीज़ करेगा आप मैनेजर पे पहुंच जाओ कि भाई मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ है तो वो एच को बोलेगा निकालो जॉब इसके लिए ऐसे ली जाती है जॉब्स लोग सीखते ही नहीं है लोग वहाँ आए करीमा का विद और हम दुरू शरीफ की चेन चला रहे हैं मतलब उसको भी व्हाट्सएप बनाया हुआ है आई एम लाइक जो कहना है आप कहें लेकिन यार देखें हर जगह का अपना डेकोरम होता है ना अब आप क्लब में जाके सिपारा तो नहीं पढ़ोगे ना आप, आप समझ रहे मेरी बात इसी तरह हर जगह का अपना एक डेकोरम होता है तो आप जो है ना एक तो हमने हर जगह जाके मज़ब का ठेला हम फौरन लगा लेते हैं भाई वो एक रिक्रूटिंग वेबसाइट है वहाँ पे आप अपनी स्किल्स स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें लोगों से सीखें कौन कौन से कोर्सेज़ किए हुए हैं क्या है आपकी फ़ील्ड में क्या चल रहा है लोग किस तरह सोच रहे हैं बाहर क्या काम हो रहा है वो एक्सपर्टीज़ आप यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वर्क ऑन दोज थिंग्स लेकिन नहीं शादियों की तस्वीरें लगाई हुई हैं और ये कर दें और वो कर दें वगैरह वगैरह एनी वे सो योर योर वो कहते हैं ना कि वैन यू डोंट ट्राई दी आंसर इज़ हंड्रेड परसेंट नो वैन यू डू ट्राई इट्स फिफ्टी परसेंट राइट आर्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं तो ट्राई करें ढूँढने लोगों को अपना केस अच्छा प्रेजेंट करना सीखें हमें है ना बेचना नहीं आता आर नॉट गुड मार्केटर्स इंडियंस बहुत अच्छा करते हैं अपने आप को बहुत अच्छा सेल करना उनको आता है कॉन्फिडेंस भी होता है और उनको पता होता है किस तरह किस जगह पे किस तरह अप्रोच करना चाहिए हमारे यहाँ सैडली मेंटरशिप की बड़ी कमी है इस तरह की कोई चीज़ें सिखाता नहीं है नेम वन पाकिस्तानी चैनल जहाँ पे आपको यार तुम्हारी नज़र में कोई है भाई कोई ऐसा चैनल जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म सिखाई जाती हो कि जी अप, आपने सेल्स पिच कैसे देनी है क्लाइंट के पास कैसे जाना है या कोई मार्केटिंग गुरु या कोई ऐसी चीज़ इंडियन में डेफिनेटली होगी डेफिनेटली होगी राइट एक दो को तो मैं भी फॉलो करता हूँ सेल सिखाते से हैं वो तो हमें ना हमें अपने आप को बेचना नहीं आता कि मैं कैसे अब मैं आई हैव ऑल्सो इंटरव्यूड पीपल और देवर देवर पीपल जो हु हैव गुड रिसोर्स मगर uh, उनका थाट प्रोसेस मुझे सही नहीं लगा एक तो वो उस तरह आ रहे थे कि जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ चलो ठीक है ओके दैट्स दैट्स ग्रेट दूसरा क्या आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो मैंने बोला देखो भाई यहाँ पे ना वो फैंडम वाली चीज़ नहीं और ये मेरा लाइक माय सीनियर एडिटर में ना ही इंटरव्यूज पीपल मोस्टली और वो यही कहता है कि ठीक है यू नीड टू यू नीड टू नो हिज़ वीडियोस के उनका स्टाइल क्या है और हाउ आई प्रोजेक्ट थिंग्स मगर वो फैंडम वाली चीज़ यहाँ नहीं, नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ दोस्ती नहीं चलेगी ठीक है ना और uh, कि जी आपके साथ आपकी सोबत में सीखूँगा अब मैं होता ही नहीं हूँ भाई मैं होता हूँ होता ही नहीं हूँ मैं यहाँ तो कौन सी सोबत भाई सोबत वोबत नहीं तो वो अपना केस हार गए बिकॉज वो अपने आप को सही पिच नहीं कर पाए स्किल पूरी थी और स्किल ही चाहिए थी लेकिन साथ साथ थोड़ा सा वो भी ग्रे फैक्टर भी देखते ना आप ग्रे मैटर नॉट ग्रे फैक्टर बिना नींद पूरी नहीं हुई मुझे लाइक जेट लाइक तो मैं आई एम लाइक नॉट वेल वेल कोहेरेंट आई कैन सी दैट सो हमें अपना केस अच्छा रखना नहीं आता अब आप में से जितने लोग सुन रहे हैं बहुत सारे कड़कड़ -कड़, कड़ करके पहुंच जाएंगे प्रोफेसर तक मगर आपको शायद अपनी पिच सही ना करनी है और आप फिर शायद ना सक्सीड कर पाए वॉट यू गाईज नीड टू डू इज़ गो ऑन यूट्यूब फर्स्ट और फिर इस तरह की से ढूँढें हाउ टू अप्लाई फ़ॉर अ स्कॉलरशिप आपको ढेरों वीडियोज़ मिल जाएंगी अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा अच्छा मटीरियल मिल जाएगा उसमें से कोई अच्छी चीज़ उठाएं कॉपी पेस्ट मारें कौन सा मैं कह रहा हूँ नया व्हील इन्वेंट करो यू डोट हैव टू इन्वेंट द व वील ऑल ओवर अगेन वैन इम्प्रोवाइज अडेप्ट एग्जीक्यूट तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया रहनुमाई जहाँ वेन इट कम्स टू शोइंग द पाथवे दिस इज़ वॉट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट और बहुत सारे आपने देखा होगा मैं ई मेल्स पढ़ लेता हूँ मुझे उनका नहीं पता होता कैसे क्या करना है तो so, मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ कि भाई कमेंट्स में बता दें ताकि इस बच्चे की रहनुमाई हो जैसे वो सी ए सी सी ए वाला एक बच्चा आया था मैंने ये करना है वो करना है आई हैव नो क्लू अबाउट दैट बट आई नो के लाइक माई रिसोर्स डू लाइक माई ऑडियंस डू तो आई लीव इड अपू यू गाइज तो इट्स अ गुड आइडिया आई टोटली इन डोर्स दिस ये होना चाहिए जहाँ जहाँ जैसे जैसे हेल्प हो सकती है पाकिस्तानी बच्चों की ये करें इन फैक्ट शफीका वाली वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे मैं बार बार उस वीडियो का इसलिए मैंशन करूँ बिकॉज द रिस्पांस वॉज ओवर वेलमिंग और उससे ना नए रास्ते खुले हैं बहुत सारे ना सिर्फ उसके लिए ना सिर्फ ऑडियंसिस के लिए बल्कि मेरे लिए भी क्योंकि मैं यही चीज़ बड़े अरसे से करना चाह रहा हूँ वेयर आई कैन लाइक शो यू रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स के अपनी तो बहुत सुना दी ना मैंने कहानी बह हो गया हली वली बट लाइक और एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके एज ग्रुप की आपके शहरों की आपके गांव देहात की कि वो लोगों ने वही रिसोर्सेज जो आपके पास थे लालटेन में पढ़ रहे हैं या स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लें कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पहुँचे वो एक पोस्ट याद है पिछले दिनों चल रही थी थर का एक बच्चा था आ, हिंदू फैमिली का उसके माँ बाप आ, उसको छोड़ने आए थे कराची एयरपोर्ट पे उसकी जापान में नौकरी लगी थी थर का बच्चा डेडिकेटेड डेडिकेटेड और मैं आपको एक बात अभी से बता दूँ कराची लाहौर इस्लाम आबाद पिशावर कोयटा अपनी जगह लेकिन मैंने जितनी डेडिकेशन पढ़ाई के मामले में आ, छोटे शहरों की या गांव देहात के लोगों में देखी है ना जो पैशन उनकी आंखों में देखा है हलीवली क्योंकि हमें तो प्लेट में मिली है ना ये चीज़ें हमें तो बाइक स्टार्ट करनी है पहुंच जाना है शार फैसल दफ्तर उन्होंने भाई वहाँ से उठना है जहाँ बिजली नहीं है जहाँ पानी नहीं है जहाँ स्कूल नहीं है टाट पे बैठ के पूरी ज़िंदगी स्कूलिंग की है ख़ुद से लाइब्रेरी नहीं है यार दूसरे दूसरे गाँव तीन दिन गाँव छोड़ के जी वहाँ लाइब्रेरी से किताबें लाना वो उनका जो यार ऐसी बहुत स्टोरीज हैं पाकिस्तान में तो उनमें मैंने और मैंने जितना भी लाइब्रेरी रिलेटेड काम किए सारा इन्हीं इसी किस्म के इलाकों से मुझे बहुत रिस्पॉन्स आया उनमें आग ही अलग होती है क्योंकि हमें तो मिल गया ना प्लेट में यार गाड़ी स्टार्ट की ये लिबर्टी बुक्स ये रहा ये किताबों की दुकान ये लाइब्रेरी फलाना ठिकाना उधर तो कोसों दूर कहते हैं ना कोसों दूर कुछ नहीं है तो उनमें थर्स ज़्यादा होती है जिस जहाँ प्यास ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा वो होगी ना तलब कि यार मुझे प्यास बुझानी तो इल्म भी एक प्यास है बुझाते हैं वो तो हाँ तो उस वीडियो से एज आई टोल्ड यू मैंने वो पिछले दिनों स्टोरी बना रहा था वेन आई वॉज इन बर्डन के काफ़ी लोगों ने बताया कि जी हमने भी ये ये किया एंड वीड लाइक आर स्टोरीज़ टू गो आउट ताकि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं जैसे उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी थे उसमें कोडर भी था जो कि बी में कोडिंग करते अनफॉर्चुनेटली आई क्रंट टाइम कंस्ट्रेंड था बहुत सारे और इशूज़ थे लॉजिस्टिक इशूज़ थे फाइनेंशियल इशूज़ थे सो so, सो so इसमें ये हो सकता है एंड दिस इज़ समथिंग दैट आईव बिन थिंकिंग विद माई टीम के वी कैन स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट वेर एन आई गेट टू इंटरव्यू सच अमेजिंग एग्जाम्पल्स ताकि आपको एक परस्पेक्टिव मिल जाए जैसा कि अभी आपने ही लिखा ना कि चूँकि हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं होती तो लोग नहीं करते तो हमें मेरा काम सिर्फ ये है आपके सामने एग्जाम्पल्स लानी है कि भाई आप बहाने कर रहे थे ना सारी जिंदगी के जी लाइट नहीं थी ये नहीं था ये आप ही की गली से उठ के गया इसने ये कर लिया आप क्यों नहीं करें तो फिर बंदे के अंदर जो अगर गैरत होती है ना तो उठ खड़ा होता है गैरत होती है उठ खड़ा होता है कहते हैं माँ की आँख अब मैं करके दिखाऊंगा और मुझे वो ना वो आग ही लगानी है मुझे मुझे पाकिस्तान नहीं सुधारना वो मेरी ज़िंदगी में सुधर भी नहीं सकता मेरी औलाद की औलाद में भी नहीं सुधरेगा मुझे इस बात का अच्छी तरह पता है मैं सौ डेढ़ सौ साल का पूरा एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरना है माय रोल टुडे इज़ हल मैं बड़े आराम से बैठ जाऊँ जब मैंने सही देखना ही नहीं है तो खली वली भाड़ में जाओ मेरा रोट दाल रोटी चल रही है भाड़ में जाए ऐसे नहीं सोचता मैं आगे की सोचता हूँ हमारे बड़ों ने भी जो है ना बहुत नस्लों आगों आगे का सोचा था तभी आज हम वेर वी आर इन लाइफ उस वजह से हैं तो सेल्फ़लेसनेस का सेल्फलेसनेस uh, की मिसाल यही होती है तो मुझे सिर्फ आग लगानी है अब उस आग में आप तो जल के भसम हो जाओ चॉइस आपकी है या आप उस आग से मशल जला के आगे वाली जलाओ फिर आगे आगे आगे, आगे और रोशनी कर दो है तो आग ही या तो आप शहर जला दो उस आग से या आप उसको बाँट बाँट के फैला दो रोशनी से मुनवर बातें देख रहे हैं आप भाई की <laughs> सो दैट्स माई रोल तो मैं यही सोच रहा हूँ कि लाइक वेन एवर आई ट्रैवल क्योंकि मैं ट्रैवल फ्रिकुनली करता हूँ आई लुक अप टू दीज आई इसका मैं कोई एक बना लूँ डेटा बेस फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी अपना इंट्रोडक्शन दें कौन है कहाँ हैं कहाँ रहते हैं कहाँ से गए क्या किया चार लाइनों में बता दें और मैं एक डेटाबेस बना लूँ फॉर एग्जांपल बर्लिन का डेटा स्टुट का लंदन का न्यूयॉर्क शिकागो डर पूरी दुनिया का जमा कर रहा हूँ डेटा अब मैं कहीं भी अगर जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल अभी शायद मुझे अगले अगले हफ्ते बहरीन जाना पड़े आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट तो मैं लिखूँगा मनामा मनामा का फिल्टर लगाऊंगा मनामा की स्टोरीज आ जाएंगी तो उनमें से मैं दो तीन को रिचार्ड करूँगा यार मैं आ रहा हूँ तो मैंने आपका इंटरव्यू लेना है ना भाई सही आइडिया ना अपने काम से भी जा रहा हूँ वो काम भी हो जाएगा दो तीन व्यू ही तो वीडियो बनानी है खली बल्ली तो मैं सोच रहा हूँ ये करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल एग्जाम्पल जो लोग यहाँ से उठ के गए इन्हीं रिसोर्स में से आगे गए वो फिर जो है ना दूसरों के लिए मोटिवेशन का सहारा मैंने बहुत ज़रूरी है तो आई एम थिंकिंग अलॉन्ग दूस लाइन लेट्स सी क्या बनता है तो मैं आपका आइडिया भाई बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ ये होना चाहिए और रहनुमाई बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे बेचारे जो है ना वो हैं बड़े गलेबल हैं वैसे उनको बाकी सब चीज़ें पता है कहाँ से क्या लेना है मगर डिग्री कहाँ से लेनी है नौकरी कहाँ से लेनी है उस उसमें थोड़े से बेचारे साधए नहीं ढूंढ पाते तो इस तरह की रिसोर्स होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप में से जितने लोग सुन रहे हैं आप अगर अपने लगता है कि हमारी फ़ील्ड की कोई चीज़ इतनी नहीं है जैसे अगर कोई सी वाला मुझे सुन रहा है कोई एक्चुअल साइंसिस वाला मुझे सुन रहा है कोई मरीन बायोलॉजिस्ट मुझे सुन रहा है हुएर आपको अगर लगता है कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड रिलेटेड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में अवेयरनेस की कमी है तो आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव लें या अगर आप खुद भी ले सकते तो किसी को बता दें डू समथिंग बच्चे निकालने मेरा तो मिशन है यहाँ से दस हज़ार बच्चा लें नॉट फॉर द स्टैंड पॉइंट के भी पाकिस्तान से भागो बट अच्छी जगह से कुछ पढ़ सीख कर और इधर आके और क्षमे रोशन करो दैट्स द आइडिया थैंक यू सो मच और इनशाला आई विश यू ऑल द लक फॉर दिस हाँ जी नेक्स्ट वन हाउ अ गर्ल कैन सेट फाइनेंशियल बाउंड्रीज विद देसी पेरेंट्स हेलो चुनीत भाई आई नीड योर एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू डिसक्लोज वेर आई लिव और हू आई एम विच इज़ फाइन I just have a situation to share with you. I have two brothers and I am the youngest one. Both of my brothers are married. All my life, I've seen my father supporting us financially and supporting his own brothers. यार एक तो ये जो ताए चाचे पालने पड़ते हैं ना यार ये बहुत बड़ा इशू है सो आई एम रज्यूमिंग आपकी फैमिली जस्ट गेसिंग सऊदी से ये सऊदी वालों को पता नहीं क्या कीड़ा है या दुबई वालों को पता नहीं क्या कीड़ा है वो पीछे सबको पालना होता है पुपियाँ भी पल रही होती हैं ताए चाचे क्यों अच्छा ताए चाचों ने अपने बच्चे लाइन की लाइन से लगाए हुए होंगे अपने काम पूरे किए हुए होते हैं पता नहीं क्यों यार ये नहीं होना चाहिए भाई हाँ देखो अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच हो गया कारोबार डूब गया कोई प्रॉपर्टी में घपला हो गया कोई पैसा लेके भाग गया थोड़ी बहुत सपोर्ट समझ आती है व्हाट आर ब्रदर्स देयर फॉर अगर भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कब आएगा मुश्किल वक्त में तो मुश्किल वक्त में अबैध का तो मुश्किल वक्त नहीं ख़त्म होता तीस तीस साल तीस तीस साल पल रहे हैं बड़े भाई से शर्म नहीं आती यार कैसे और ऐसे हो कि व्याह हो जाते हैं क्या करते हैं जी भाई दुबई होते हैं <laughs> भाई सऊदी होते हैं ये अबे तू क्या करता है ओके सो आर फ्रॉम सऊदी माय फादर विदाउट आस्किंग एनी वन अ लॉट ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स डूड दैट्स अ लॉट मिलियंस भी नहीं होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स विच टर्न आउट टू बी अ फ्रॉड आई डाउट इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेटा बट इट्स ओके दीज वर ऑल लेड बाई वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वही वाली बात है ना कि सारे जिंदगी माँ बाप कहते हैं कि दोस्तों से बुरे दोस्तों से दूर हो और अपने बहन भाइयों से लौट जाते हैं स्टिल ही है टाइम टू हैव अ होल्ड एंड सेव सम फॉर द रेनी डेज बट माई फादर इज़ ओवर लैविश ओवर लैविश अ शाहर्च हु ऑन हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली अलॉट हीज दावत ऑफ अंकल्स एंड फैमिलीज एवरी सिंगल डे एंड बोम ऑल मनी इवेंट यार रोज दावतें कौन करता है I just got a bit financially stable. My father asked me to help him and lend him some amount which he said he will give back. It's been years and years. See? I got nothing. And what did he do with that money? It was still the same. Lavish dawats again. He again asked for my help but I politely refused and I still feel bad about it. No, you don't have to feel bad about it. He needs to buckle up, man. Seeing the situation of my father, my brothers left and went on their ways with their families. Circumstances went way too worse. My father got blacklisted because he couldn't pay the loans. Haan, blacklisting the Middle East. Mein hoti hai. He won't still work under someone because of ego. At this point, my father and mother are depending on me financially. My father made me buy a house in, on, on rent in my name. बुक्ड ऑल द बिल्स ऑन माई अकाउंट एंड टोल मी ही वुड पे हाफ बट दैन लेटर ही रिफ्यूज बिकॉज ही हैव नो मनी एंड नाव एट दिस स्टेज आई हैव जीरो सेविंग्स ऑल माई सैलरी गोज इन टू दिस हाउस एंड नाउ आई कैन थिंक ऑफ माई सेल्फ और माई फ्यूचर इट्स माई एज टू गेट मैरिड बट दे रिफ्यूज ऑल द प्रोपोजल ऑफकोर्स देवर गेट यू मैरिड बेटा ये तो देसी पेरेंट्स का एक और ट्रेट है बच्चे तो इंश्योरेंस पॉलिसी हैं बच्चों ने कमा के देना है बुढ़ापे में खुद नहीं सेव करना जैसे पूरी दुनिया में लोग करते हैं और ये कहना जी हमने तुम्हें पढ़ाया खिलाया पिलाया तो पैदा किया है तो भाई ये सब करना था ये आपने कोई एहसान नहीं किया ये तो बेसिक है बेसिक तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर ख़ासतौर पर बेटियों पर मैं आई नो अ लॉट ऑफ सच बेटियाँ जिनकी संभाव शादी नहीं हो पाती क्योंकि पेरेंट्स को कोई समझ ही नहीं आ रहा होता क्यों नहीं समझ आ रहा था क्योंकि ये चली जाएगी तो फिर हमें कौन पालेगा पेरेंट्स बाकायदा अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं एंड आई कैन गिव यू हंड्रेड एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आई नो सो मैनी ऑफ दम पर्सनली इवन बेटों के साथ भी uh, मायनी शादी कर रही होती बिकॉज उनको लगता है कि भाई फिर वो फाइनेसिस uh, बढ़ जाएंगे या फिर मैं मैं कॉँट डिपेंड करूँगी वगैरह वगैरह सो या दैट्स वेरी वेरी कॉमन आई कांट गेट मैरिड बिकॉज आई कॉन्ट मूव आउट बिकॉज माई पेरेंट्स डिपेंड ऑन मी सी दैट्स अ थिंग आई कॉन्ट बी बेगैरद ना फरमान ऑलाद हू सेंड्स हर पेरेंट्स टू समल्ड हाउस बिकॉज आई कॉन्ट प्रोवाइड दैम द रूफ आई जस्ट कॉन्ट इवन थिंग ऑफ डूइंग दट आई कीप थिंकिंग एवरी टाइम आई थिंक ऑफ माई ओन फ्यूचर आई एम बीग सेल्फिश एंड नाफरमान औलाद दैट्स वट पेरेंट्स डू ये क्या करते हैं ये आपको लव बॉम्बिंग करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि देखो हमने तो इतना किया अब तुम तो हमारे साथ ये करोगे फिर बच्चे हैं होते हैं ओहो मैं तो बहुत नाफरमान हो रही हूँ देखो पेरेंट्स का काम अपेरेंटली देखो जैसे परिंदे होते ना उड़ना सीख गए जा बेटा अपना दाना खा हम तो अपना दाना खुद करेंगे परिंदों में कभी देखा है जानवरों में कभी देखा है शेर और शेरनी यूं करके बैठे हैं और बच्चे खाना ला दे रहे हैं कभी कभी ऐसा देखा है भाई जानवरों में नहीं देखा तो भाई इंसान का भी यही पर्पज़ होना चाहिए हर चीज़ तो जानवर से सीख ली डॉगी स्टाइल तो सीख लिया जानवर से ये नहीं सीखा कि खाना एंड वक्त तक अपना खुद लेकर आना है औलाद पर नहीं डिपेंड करना काम की चीज़ें अपनी अपने मतलब की चीज़ें सीख ली जानवरों से तो ये फिर ब्लैक होती है और फिर कि भाई अब तुम नाफरमान फिर बच्चा इसी में हाय हाय मैं हालांकि भाई छोड़ के चले गए भाई छोड़ के जिनका काम है पालना अगर हम उस तरह देखें जी देसी फैमिली है तो भाइयों का हक है, है उ, उनको स, वो संभालें आप तो पराई बेटी हैं अली वल्ली सही समझे अगर हम उस तरह बात करें तो आपका काम ही नहीं है लेकिन नहीं गिल्ट तो डालेंगे आपके अंदर अब आप ज़िंदगी भर मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ अब हमारे यहाँ यही तो मसला है पीपल स्टार्ट लिविंग एट फोर्टी एंड फिफ्टी फिर वो कहते हैं चलिए जी पेरेंट्स के लिए जीते हैं अब पेरेंट्स माशाला कुछ लंबा जी जाते हैं अल्लाह सबके पेरेंट्स को लंबी उम्र दे फिर ज़ाहिर है दुनिया का एक असूल है सब ने चले जाना है और फिर जब सब चले जाते हैं फिर आप पैंतालीस पचास के हो जाते हैं फिर आप कहते हैं अब मैं जीना शुरू करूँ तो सब तो बहुत देर हो चुकी होती है तो वो ये फजूल की ब्लैक है अपनी आदतें ख़राब लैविश दावतें करना ये करना वो करना और अब आप पे कहजिए अब आप हमें पालो नॉट योर फॉल्ट बेटा अब इसमें लोग बोलेंगे जी आप नाफरमानी से कहा नाफ़रमानी की बात ही नहीं है आपसे पूछ के दावतें की थी नहीं की थी ना तो खुद उड़ाया ना अपना कमाया हुआ खुद लुटाया ना तो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं आप नहीं हो हाँ यू नीड टू एम्पथाइज देर योर पेरेंट्स मैं ही नहीं कह रहा उनको सड़क पे फेंक दे मगर उनको दे हैव नो राइट टू ब्लैक मेल यू लाइक दिस पहले खुद गंवाया अब आपको कह रहे हैं तू कुछ ना कर खुद सब कर लिया तू कुछ ना कर शादी से रोक रहे हैं आपका बेसिक राइट है आपकी नीड्स हैं भाई इमोशनल नीड होती है इंसान की फिजिकल तो फिर चलो ठीक है अपनी जगह इमोशनल नीड होती है यू नीड यू नीड अ पर्सन मैन आई कीप थिंकिंग ऑफ एवरी टाइम एम आई आई थिंक ऑफ माई ओन फ्यूचर भाई अपने ही फ्यूचर सी अपना ही फ्यूचर आपने ही देखना है और किसने देखना है यू ऑल आर ऑन योर ओन मैं आप सबको ये बता दूँ माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे सब अपनी जगह बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं मैं ये नहीं कह रहा लेकिन आप खुद जिम्मेदार हो अपने फ्यूचर के ये मैं आपको भी से बता दूँ माँ को बड़ा प्यार है ना आपसे ज़रा घर पर बैठो नौकरी छोड़ के फिर देखता हूँ कितना प्यार है माँ को आपसे जितने भी सुन रहे हैं मैं बता रहा हूँ समझ रहे हैं

मैंने ज़िंदगी भर इतनी मेहनत की कि मेरे वालदेन चौबीस घंटे ए सी चलाएं तो मुझे हर्ट ना और मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि यार बड़ा एहसान होता है आ, अच्छे अच्छी तरबियत एक बहुत मतलब मैं यही नहीं कह रहा कि पालना और वो बहुत आसान वाला बात है लेकिन एक अच्छी तरबियत जो है ना दैट इज़ द बेस्ट थिंग योर पेरेंट्स कैन गिव यू और अगर उन्होंने वो इनकलकेट किया आपके अंदर आप सारी ज़िंदगी वो एहसान नहीं हो झुका सकते हाँ ये कहना है कि जी हमने पाया स्कूल भेजा है अब सबका काम है वो वो कोई कोई बड़ी बात नहीं है तो तो मैं जो है ना मैं उनको खुला बोलता हूँ कि भाई जितना यूज़ करना है करें मैं बिल मैं भरूंगा आपको कोई तकलीफ़ ना हो ठीक है ना लव माई पेरेंट्स टू बेट्स हाँ जो फ़जूल ख़र्ची हैं जैसा कि आपने बोला हम हमारे यहाँ भी हो जाती है फजूल खर्ची है, तो अगर कभी मैं ज़रा बोलूँ ना कि भाई ये ज़रा नहीं करें या ज़रूरत नहीं है इस दावत की या मुझे नहीं लगता हमें ये पेंट फजूल का एक और बार पेंट हम क्यों कराएं नहीं कराना या सोफ़ा अभी सही है चेंज नहीं करना ए बंद हो जाता है टिपिकल ए सी बंद हो जाता है भाई हमारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं हम, हम तो नहीं बर्दाश्त करते इतनी मेहनत करो इतने बड़े बड़े बिल भरे अरे भाई मैंने कब बोला ए सी बंद करो तो ये जरा टेक्निक्स होती हैं पेरेंट्स की सो या आई कैन अश्योर वाई डू देसी पेरेंट्स डू दैट आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डी विद दिचुएशन आई हैव स्टार्ट टू गेट सडल थाट्स हाँ बच्ची चली जाए वो सही है आई सो बैड यार बट द ओनली थिंग दैट कीप्स मी आई लाइफ इज द खौफ ऑफ आखरत अच्छा खौफ आपको है उनको नहीं हो रहा उनका भी आप पे हुकूक है जिस तरह आपके उन पे हुकूक हैं उनका भी उनके भी उन्होंने भी अपने करने हक अदा करना है एंड क्लियरली देर नॉट डूइंग वन प्लीज़ एडवाइज मिन हाउ टू डील विद द सिचुएशन आई डिस्कस विद माई फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी टू बी बोल्ड एंड अ बिट स्ट्रिक्ट बट आई कांट हाउ कैन आई लीव दैम एडवाइज नीड इट ये वाली जो आपकी शादी वाली जो बात ना जो ये नहीं होने दे रही ये मेरे अटक के बैठ गई है क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू तो माई हार्ट एंड आई नो पीपल जिनकी ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा रही और वो साफ़ वजह है अब जाहिर है आप अपने दोस्तों को खुल के ये बात नहीं बता सकते कि भाई योर पेरेंट्स आर योर वर्स एनिमीज एट दिस पॉइंट आप नहीं बता सकते आप कोई भी नहीं मानेगा ना अगर मैं बोलूँगा आपके माँ बाप आपके दुश्मन आप कोई मानोगे कभी भी नहीं मानोगे तो ऐसे बोलना नहीं होता लेकिन आप कभी कभी सिचुएशन साफ़ सुथरी देख रहे होते हो कि वो आपकी शादी करवाना ही नहीं चाहते वो साफ़ वजह ये है कि जी फाइनेंस जुड़े हुए अब आप ये बात अपने भाइयों से करें भाई आप ख़ुद तो निकल गए तो क्या मैंने शादी नहीं करनी मेरे भी राइट्स हैं मेरी भी चीज़ें हैं मुझे भी अपनी चीज़ें ओके करनी है एंड uh, उनसे आप डिमांड करें कि भाई इसको इक्वली शेयर करें इसे मेरे माँ बाप नहीं है आप दोनों की भी हैं खौफ व आखरत आपको ये उनको तो भाइयों को तो नहीं हो रहा ठीक है तो दिस इज़ ऑल ऑन योर पेरेंट्स मैं आप इसकी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनका पैसा लुटाना ये लाविश दावतें और फ़लाना ढिकाना अपने हाथों से दौलत लुटाई फिर बच्चे ऐसे ट्रेन किए जैसे कि आपके भाई चले गए हली वली उनको टेंशन ही नहीं है तो क्लियरली तरबियत अच्छी उन्होंने उनकी उनकी नहीं कि आपकी तो अच्छी की हो या आप ख़ुद जिम्मेदार हैं कुछ लोग जो है ना जिम्मेदार नहीं होते तो आप तो क्लियरली हैं तो अब उस अब जस्ट बिकॉज आप जिम्मेदार हैं वो कहते ना जिसने उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया तो मतलब आपने सबक याद किया आप ही को छुट्टी नहीं मिल रही ये अपने सर्कमस्टांस के ख़ुद जिम्मेदार है आप नहीं हैं भाई देखो आपको पूरी लाइफ टाइम मिलती है अभी जैसे मैं हूँ एम अ यंग पेरेंट आई कैन सी फर्दर इन फ्यूचर कि यार 20 25 30 साल बाद फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर फाइव आई चूज टू रिटायर तो जी मैंने औलाद पर डिपेंड ना हूँ तो मैं अभी से क्या कर सकता तो हूँ मेरे पास बहुत टाइम है मैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ मैं उसमें प्रॉपर्टीज़ ले सकता हूँ मैं उसमें शेयर्स ले सकता हूँ उसमें मैं ये कर सकता हूँ वगैरह 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 तो ये मेरी जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि पड़ोक करके बच्चा निकाल दिया और ये स्कूल की फ़ीस भर दी है ये रायल फ्लोरेंस से कपड़े दिला दिए और साल में दो बार जीत हॉलीडेज पर लगा तो मेरा काम हो गया नहीं पूरी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग अपटिल आई एम इन माय ग्रेव ये मेरी जिम्मेदारी है मेरे बेटे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे पालेगा बड़ा होकर उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है ये हमने बना ली है अर्ली रिटायरमेंट हमने ले ली है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से सबक दोषी जिसको हम छुपाते हैं कि जी फर्माबरदारी के लिबादे में ओढ़ के।, के जी फर्मा बरदार औलाद हमें पालेगी फर्मा बरदारी नहीं भाई आपने खुद अपने फाइनेसेस सीधे करने थे आपको पूरी ज़िंदगी मिली चा पचास साल में कम टाइम नहीं होता बहुत टाइम होता है बहुत टाइम होता है अपने आप को सुधारने का अगर वो नहीं कर पाए दावतों में उड़ा दिए गलत इन्वेस्टमेंट कर ली वो आपका फॉल्ट नहीं है भाई तो इसमें आप कोई नाफरमान वाफरमान ना नहीं हो रही ये सिर्फ आपसे झूठ कहा जा रहा है और आपको ब्लैक किया जा रहा है और ना सिर्फ आप जितने लोग सुन रहे हैं जो इस सिचुएशन में एक साहब मिले मुझे अभी बहुत ज़बरदस्त डिग्री कर रहे थे मुल्क का नाम नहीं लूँगा कहीं पता ना उनके पेरेंट्स ही यहाँ देख रहे हो मैं अवॉइड करता हूँ मैं अच्छा इसके बाद कह रहा था कह रहा है वापस मैं क्यों भाई और था भी किसी छोटे शहर से था अब मैंने बोला वहाँ तो सोलह ला घंटे लाइट नहीं होती कह रहा है क्या करूँ पेरेंट्स कहते हैं कि जी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते उसको भी मैंने ये चीज़ समझाने की मैंने देखो ये तुम कोई छोड़ के नहीं आए उनको जिंदगी में तुम्हें आगे जाना है और दुनिया ऐसे ही चलती है ऐसे तो फिर हम सारे हम घर से ही ना निकलें हम माँ बाप का पैर पकड़ के बैठे रहे कि हल्ला इनको कुछ होना जाए हल्ला कुछ होना जाए भाई अपनी अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है ठीक है रिश्ते हमने रखने हैं मैं ये नहीं कह रहा आप में से कुछ लोगों को लगेगा मेरी सोच बड़ी मगरबी है कि जी पेरेंट्स को छोड़ दो तो। छोड़ने का कौन कह रहा है अभी मैं अभी तक अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ मैं तो अलग नहीं रहता मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैं बड़ा अच्छा फ्लैट ले सकता हूँ वो मेरे माँ बाप मेरी बहन भी उसी फ्लैट में रहती है तो वो उनसे करीब हो क्योंकि पुराना मोहल्ला छूट गया है तो वो ज़रा उसके बच्चों के साथ खेल कूद में तो हम मजबूरी में मैं मजबूरी में वहाँ रहता हूँ हालांकि आई कैन अफोर्ड अ मच अ मच वेयर अ प्लेस मगर मैं उनके साथ रहता हूँ तो मैंने मैं क्यों बोलूँगा छोड़ने को मैं तो खुद साथ रहता हूँ छोड़ना नहीं लेकिन जिम्मेदारियों से जो है ना आप फजूल की सर पर लेना आपका मकसद नहीं है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें भाइयों को बोलें भाई तुम्हारे भी माँ बाप हैं ठीक है ना खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाएगा हिस्सा लेने फ़ौरन पहुँच जाओगे फिर फाइलें लेके ख्वाब में आए थे कल अब्बू कि मेरी फलानी वाली घड़ी तुम्हारी है ऐसा सुना है तुमने कभी जब मर जाते हैं मैयत में औरतें बैठ के ऐसे बातें करती हैं मैं औरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मैं अपनी अम्मा से ही सुना है कि भाई फ़लाने की मैयत में फ़लानी ने ये कहा फलानी की मैंने फलानी नहीं कहा अबू जी आए थे ख्वाब में कि मेरी रोलैक्स जो है तुम्हारे हाथ पर बड़ी जचेगी अब साले स्वयं का बिरयानी खा रहा है और रोलैक्स पर नजर है अबू फौरन ख्वाब में आ जाते हैं अबे अबू जब लबे दम पड़े थे तब तो ख़्वाब में नहीं है किसी के आके ज़रा मुझे कोई पूछ ले हैं खाला जी यहीं थी ख्वाब में कि वो मेरी चेन तुम्हें बड़ी पसंद थी ना तुम रख लेना अब ख्वाबों ने माँ बहन एक कर दी इस मुल्क की हर कोई हर किसी वो को ख़्वाब में कोई आ रहा होता है तो तो भाई जितने भी लोग इस सिचुएशन में हैं इसको आप ये ना समझें कि आप नाफरमान हैं देखो ज़िंदगी में थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका सर्वाइवल आप पे ही डिपेंड करता है सब ने आगे पीछे हो जाना है चले जाना है इन दी एंड जो है ना भाई कबर में सवाल क्या आपके अम्मी अबू से होगा आपसे होगा आपने नमाज नहीं पढ़ी सवाल क्या आपकी अम्मी से होगा अबू से होगा आपसे ही होगा तो अपने अमल दखल सबके ज़िम्मेदार आप खुद हैं रिश्ते ज़रूरी हैं होने चाहिए माँ बाप बेहतरीन रिश्ता है मैं कोई दुश्मनी की का कायल नहीं हूँ ना मैं कभी ऐसा किसी को मशवरा देता हूँ हाँ अगर बॉड टॉक्सिसिटी हो मार धाड़ हो तो मैं कहता हूँ भाई सेफ़्टी इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है अपनी जान बचाओ जान गंवानी नहीं है बचानी है सो so, इसमें जो है ना आप जो भी हैं ब्लैक मेल ना हो पेरेंट्स और इनसे बात करें हाँ एक चीज़ जो मैं सबको मशवरा दूँगा अब इसमें मेरी बीवी जो है ना वो ज़रा उससे वो इख्तलाफ करती है लेकिन भाई अपनी अपनी सैलरी जो है ना इसमें ज़ाहिर है औरतें ज़ाहिर है दे वॉन्ट इंडोरस दी आइडिया मगर सैलरी पूरी नहीं बतानी चाहिए घर में घर की मैं बात कर रहा हूँ नहीं बतानी चाहिए वरना ना ना वो फिर वो हाथ खुल जाते हैं अच्छा इतने आ रहे हैं तो इतना तो हम खर्च कर सकते हैं समझ रहे हो थ्रेश होल्ड लेवल बढ़ जाता है अगर आपकी लाख रुपये तनख्वाह है आपने लाख बताई तो उनका थ्रेश होल्ड होगा अच्छा अस्सी हज़ार तक तो हम खर्चा कर ही सकते हैं चाहे आपका खर्चा बीस में पूरा हो अब वो अस्सी करेंगे जब आप बताओगे ही अस्सी तो थ्रेश नीचे आ जाएगा साठ पे आ जाएगा पचास पे आ जाएगा वो होता है इसलिए क्योंकि वो जो कमा रहा है ना उसको पता है उसकी अहमियत जो नहीं कमा रहा वो कहता है खल्ली वल्ली आ रहा है फ्री का पैसा कभी भी जो है ना फाइनेंसेस अगर आप इस तरह की आपको लगता है आप इस तरह की सिचुएशन में हो सकते हैं कि अगर आपका अच्छा मैं मर्दों की भी बात कर रहा हूँ जो खुतन कमाती हैं जिनके हस्बैंड्स नहीं कमाते या उतना नहीं कमाते आप भी छुपाएं आप भी ना पता क्यों फिर उनका खुल जाएगा अच्छा कमा के लात हो रही है खली वली नहीं भाई थ्रेश होल्ड रखें क्योंकि यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कल को आपको ज़रूरत पड़ सकती है सेविंग्स बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में अगर आप महीने की पच्चीस को ज़ीरो हो रहे हो जो भी सुन रहे हैं ब्रो योर वन हॉस्पिटल ट्रिप अवे फ्रॉम पॉवर्टी आई एम टेलिंग यू चाहे आपकी सैलरी तीन लाख भी क्यों ना हो ऐसा होता है ना भाई ख़ुदा न खासा तो कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए यहाँ अस्पतालों का आपको पता है आपका आखान का अगर चक्कर लगे तीस चालीस लाख का बिल बन जाए क्या करोगे एक वन हॉस्पिटल ट्रिप अवे फ्रॉम पॉवर्टी तो भाई अपने आप को सिक्योर करना है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कुछ भी हो सकता है तो आपने आ, आपकी अगर हम बात करें बहन तो आपने जो है ना थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा आई एम सॉरी टू से जिसको पेरेंट्स बोलेंगे बदतमीजी जबकि आप अपना हक मान रही मान मांग रही हैं और आप हक पे हैं आपकी ज़िंदगी आपने जिंदगी गुजारनी आपकी वो शादी भी नहीं करके दे रहे आपको जीने नहीं दे रहे आपसे आपकी बेसिक लिबर्टीज़ छीन रहे हैं जो जिम्मेदारी आपके भाइयों को भी शेयर करनी चाहिए वो नहीं तो एक तो आपने अपने भाइयों से दो टोक बात करनी है और आपने अपने पेरेंट्स को भी बताना है कि भाई देखें सिर्फ मैं नहीं हूँ आपकी औलाद ये भी हैं ऑल हैव टू शेयर इक्वली वरना ये कि फिर आप फिर बाग़बान बना दें बोलो भाई तीन दिन, दिन एक महीना वहाँ एक महीना वहाँ फिर बाग़बान कर लेते हैं बोलो भाई या तो बाग़बान है या तो फिर ये देख लें आप क्योंकि भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा और ऐसे मैं आपको अभी से बता रहा हूँ अभी तो आप जैसे जैसे कर रही हैं अल्लाह आपके पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे बट आईस आई सेट जिंदगी की एक साइकिल है लोगों ने आना होता है लोगों ने जाना होता है वॉट हैप इज यू फोर्टी फाइव आपके पास ना कोई सेविंग है ना आपकी कोई शादी हुई हुई है ना आपका कुछ है फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे चिड़चिड़ी होंगी फिर आप यू ऑलरेडी लिव्ड अ लाइफ ऑफ मिजरी और फिर वहाँ से आगे इट्स इट्स जस्ट डाउन हिल एंड इट्स गोइ टू बी अलॉट वर्ड्स आम टेलिंग यू मैं डरा नहीं रहा जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ कमेंट्स में लोगों से खुद पूछ लें सोया स्टैंड लेना पड़ेगा भाई जिंदगी में जो भी सुन रहा है मैं सबको कह रहा हूँ जिंदगी अपनी टर्म्स पे जीनी है इसको बदतमीजी नहीं कहते बदतमीजी तब होती है जब आप हक मारते हो आप हक नहीं मार मार रहे किसी का आप अपना हक मांग रहे हो जायजा जिसको वालदेन ब्लैक मेलिंग करेंगे नाफरमानी में ना वो तारिक जमीन लगा देंगे तेज करके औलाद वाला बयान सुबह तेज़ करके लगा देंगे ओ भाई अल्लाह मियाँ भी जो है ना अल्लाह मियाँ से ज़्यादा जस्ट कोई है इस दुनिया में कोई नहीं है ना जित बड़े से बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज हो और फिर एक अल्लाह की अदालत हो तो जिसका जज अल्लाह हो अल्लाह से बड़ा जज है कोई नहीं है ना अल्लाह मियाँ क्या आँखें मतलब आँखें बंद हैं या कान बंद अल्लाह मियाँ नहीं देख रहा अल्लाह अल्ला नहीं, नहीं सुन रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है अल्लाह आपसे भी अगर आपके माँ बाप से प्यार करता है सत्तर माँओं से ज़्यादा तो आपसे भी करता है अल्लाह से बड़ा जस्ट कोई नहीं है और जस्टिस विल प्रिवेल और मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ ब्लैक मेलिंग है मैं कोई पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मगर हमारे पेरेंट्स ने हमारी जनरेशन का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और ना सिर्फ हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स ने भी और ये एक साइकिल चलती आ रही है सदियों से हमें इस साइकिल को ब्रेक लगाना है उसी बारे में ये डिस्कशन हो रही है वरना हल्ली वली चलता रहे फिर ये अब्यूज़ चलता ही रहेगा ऐसे आज आप पे हो रहा है कल को आप किसी पे फाइनेंशियल अब्यूज़ बर्डन बन के रहेंगे क्योंकि भाई मेरे साथ ये हुआ था अब तो मैं भी ये करूँगी ये साइकिल कहीं रुकेगी नहीं यू हैव टू टेक अ स्टैंड समवेयर मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ भाई पेरेंट्स अच्छी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है लेकिन टॉक्सिक पेरेंट्स से बुरी चीज़ भी दुनिया में कोई नहीं है क्या आपके अपने माँ बाप आपके साथ टॉक्सिक है आपके अपने दुश्मन हो आपके साथ लड़ाई करें आपके साथ बहसबाजी करें आपको बददुआएँ दे, देते हैं ऐसा है कि नहीं है पेरेंट्स बदुआएँ देते हैं कि नहीं देते अपनी औलादों को भाई इससे बड़ी तो मतलब अजियत और कोई नहीं है क्योंकि इंसान का पहला सुपर हीरो बाप होता है उसका पहला सपोर्ट सिस्टम उसकी माँ होती है जब माँ मारती है ना बच्चे को तो बच्चा फिर भी माँ में घुसता है हमें तो पता है ना छोटा पिटता है हमारा हम देखते उसको पता कर रहा हूँ मतलब ज़्यादा नोक झोंक हो ही जाती है तो बच्चा उतना ही माँ में घुसता है क्योंकि उसको पता है मेरा सपोर्ट सिस्टम इधर ही से है भाई मैं इधर ही से निकला निकलाऊँ और यही मेरा सब कुछ है तो अगर वहाँ से नफरतें आए बदुआ आएँ कोसें आए ताने आए तो बंदा कहते है यार ज़मीन खुले और मैं उसमें गड़ के मर जाऊँ लानत ऐसी ज़िंदगी पर और वाकई लानत ऐसी ज़िंदगी पर तो भाई पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी जनरेशन का बुरा आप मेरे यार ये एपिसोड कौन सी है नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव एटी टू वट एवर आप सारी पीछे से उठा लें इफ़ आई आस्क यू टू पिक वन कॉमन फैक्टर इन सारे प्रॉब्लम्स में वो आपको वो आपको पेरेंट्स मिलेंगे हमारे मुल्क में जो ना बूढ़े लोग जो हैं जो कहते हैं हमारी इज्जत करो क्योंकि हम बूढ़े हैं पता नहीं क्यों भाई बस अब नहीं बूढ़ा होना है ठीक है ना बेवकूफ़ लोग भी बूढ़े हो जाते हैं तो ये तो कोई टॉक के ये तो कोई सेंस नहीं हुई तो वो हैं फारग सैडली उनके बाद कोई हॉबी नहीं है कुछ किया नहीं जिंदगी में ना ट्रैवल किया ना अच्छा उनको सेक्स मिला ज़िंदगी में तो वो सारी ज़िंदगी की फ्रस और फिर जजमेंटल पूरे सारी ज़िंदगी जो किया बुढ़ापे में तस्वीर पकड़ लेंगे टोपी पकड़ लेंगे फिर सबको जज करेंगे ये ऐसी ये वैसी 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 यही करते रहेंगे दूसरों को जीने क्योंकि खुद अच्छा नहीं जिया दूसरों को जीने नहीं देंगे अभी मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ ना यहाँ बराबर में आंटी रहती हैं सेवेंटी प्लस नेवर मैरिड अब जब से हम आए उनको फजूल के इशू हैं अब वो हमारे इसमें बिकॉज वो किचन बनाया हमने कुकिंग शो का तो उसके एग्जॉस्ट का हमने एक ओपनिंग दी है वहाँ से वो रात को पानी डालती हैं ताकि हमारा जो एक किचन है ख़राब और वो ख़राब हुआ पूरा कैबिनेट टूटे और फिर नए बने अभी कैमरे लगाए तो हमने देख लिया आप पुलिस को बोले किसको को बोले क्या करें तो ये और ये दिस नॉट द फर्स्ट टाइम इससे जो पिछले में था वहाँ पे भी जो है इश्यूज थे अगेन सीनियर सिटीज़न उससे पहले जो था वहाँ इश्यूज अगेन सीनियर सिटीज़न बूढ़ो बूढ़े मुझे काम नहीं करने दे रहे इस मुल्क में और अगर मैं इस मुल्क से भागा उसकी वजह बूढ़े ही लोग होंगे मैं मजाक नहीं करा एम बीग वेरी वेरी सीरियस आई एम लाइक सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस हमारे मुल्क में लाइक देर आर बर्डन मैन आई एम सॉरी टू से दिस मेरे अपने पेरेंट्स भी उसमें होंगे बट लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन कोई पॉजिटिव है नहीं ना कुछ किया ये पाकिस्तान हमें ला के दिया मतलब अगर अपनी जवानी में ये स्टैंड लेते कि भाई ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो आज हम अच्छे मुल्क में बैठे होते कि नहीं होते खुद कुछ किया नहीं हमें ये रिजल्ट दे दिया और फिर हम जो थोड़ा बहुत जी रहे हैं अपनी टर्म्स पे अपना हाथ पैर मार के तो उस पर आ रहे हैं तू नाफरमान है तू ये तू ये तू ये अजीब है यार बेड़ा गर्क किया पूरी सोसाइटी का सया मैन आई मीन बुरी लगती है बात तो बुरी लगे जो जो बात करो हक की चाहे हट जाए सबकी जो हक बात है वही कर रहा हूँ भाई बाकी आप प्रूफ भी अदरवाइज देख लें आप खैर बेटा मैं आपको बोलूंगा, like Again, ये बोलूंगा यू नीड टू स्टेप अप एंड लाइक लुक देम इन दी आई अगेन ये नाफरमानी या बदतमीजी वो आपको बोलेंगे जी ये है ये है ये है पूरा तारिक जमील और तारिक मसूद तेज़ करके लगा देंगे नाफरमान रात का आपने नहीं सुननी आप हक पे हैं आप गलत नहीं हैं भाइयों को भी घसीटें इसमें बोलो तुम्हारे भी उतने ही माँ बाप हैं जितने मेरे हैं इक्वल करो या तो फिर अपने पास रखो सीधी सीधी बात है थोड़ा सा आप धमकी देंगी जो कि ज़रूरी एक होती है जायज़ धमकी जो जरूर चलो अजान हो रही है मैं उसको रैपअप करता हूँ जायज़ हमकी होती है तो आपने जो है ना इस पर ज़रा स्टैंड लिया ठीक है चलो अपना ख्याल रखें अजान हो जी मैं दुआ करूँगा आपके लिए दाफि और right, तो ये थी आज की एपिसोड आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इफ़ आई वॉज नॉट कोहेरेंट इनफ तो उसकी पेश की माजरत बाकी सवाल ज़रूर भेजिएगा काफ़ी सारे तो ऑलरेडी हैं आप फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी शर्ट और इसी होलिए में क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज आया हूँ तो एक और वीडियो बना लेता हूँ तो अगली वीडियो अगली एपिसोड का थम भी इस शर्ट में दिखे तो ये सोच के ये ना क्लिक ना कीजिएगा कि क्यों ये वाली तो हम देख चुके हैं तो टाइटल को ज़रूर पढ़िएगा एपिसोड नंबर पे ज़रूर फोकस कीजिएगा फिर आपसे दोबारा तो मुलाकात होती है अपना ख्याल रखिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेट्री ऑन डॉट कॉम से आशगंजी स्वैग आपकी सपोर्ट से काफ़ी हेल्प होती है संडेज़ को ओवर टाइम देना पड़ता है और बाकी सारी चीज़ आपको पता है चलें अपना ख्याल रखें हाफिज़